सभी ले रहे हैं, यस और नो। जीने के लिए सांस लेना पड़ता है, बट ये सांस को आप कैसे नियंत्रण से लेंगे, उसकी थेरेपी है ये। हाउ यू गोइंग टू हैव योर ब्रेथ होल्ड इन योर ओन कंट्रोल। डज इट साउंड इंटरेस्टिंग? कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सांसों के द्वारा हम अपना प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं? डू यू नो इट हैज जस्ट कम आउट दैट आईआईटी खड़गपुर हैज कम अप विथ अ टेक्निक वेयर थ्रू द ब्रेथ दे कैन डिटेक्ट योर डिजीज। ये उनका लेटेस्ट रिसर्च है जो अभी मार्केट में आने वाला है। सो ब्रेथ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ब्रेथ से आप अपने डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। आज वर्ल्ड ओवर डॉक्टर ने भी मान लिया है ब्रेथ इज द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो जब आपके कंट्रोल में आता है, ब्रेथ होल्ड, सांस को आप जब रोकते हैं, तो क्या होता है आपके इंटरनल बॉडी में? जहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, उधर ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो ऑर्गन्स वीक हो गए हैं, वो कुंभक के द्वारा रीजुविनेट होते हैं। भले ही कोई भी एज रहन दीजिए, जब तक आप सांस ले रहे हैं, कुंभक से चीजें ठीक होती हैं। ओके, सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट द कुंभक थेरेपी फॉर व्हाट एवरीबडी हैज जॉइन टुडे इवनिंग टू गेट रिड ऑफ देयर करंट प्रॉब्लम्स। तो चलिए बातें करते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुए हैं। फ्रॉम विच लोकेशंस हैव यू ऑल ज्वाइन, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड लेट्स मेक इट वेरी वेरी इंटरेक्टिव। अमी मैम, राजश्री मैम, सरोज मैम, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। अरुण सर, जिन लोगों ने अपना हाथ रेस करके रखा है, सबके क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में लेंगे। ओके, सो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पंजाब, कोई भी प्रांत से खाली नहीं है। हमारे वेबिनार में जुड़े हैं हर जगह से लोग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बीइंग विद अस टुडे इवनिंग इन द वेबिनार। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल वांट टू नो फर्दर एज टू व्हाट अष्टांग चिकित्सा इज ऑल अबाउट। सो इफ आई हैव योर परमिशन, आई वुड लाइक टू शेयर द स्क्रीन। सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू परमिट मी एंड यू आर क्यूरियस टू नो हाउ द ह्यूमन सिस्टम वर्क्स। थैंक यू सो मच, गिव मी 2 मिनट्स बिफोर आई शेयर द स्क्रीन। अष्टांग चिकित्सा ऑनलाइन थेरेपी फॉर न्यूरो मस्क्यूलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स। आज शाम हम इकट्ठा हुए हैं टू गेन एन इनसाइट ऑन न्यूरो मस्क्यूलो हेल्थ इश्यूज। नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू द अष्टांग चिकित्सा वेबिनार। माय नेम इज रचना बोथरा एंड आई विल बी योर होस्ट फॉर टुडेज वेबिनार। आई एम अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अवीसा हीलिंग एंड फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड। इन टुडेज वेबिनार वी विल प्रेजेंट टू यू अ यूनिक थेरेपी फॉर क्योरिंग न्यूरो मस्क्यूलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स दैट यू और समवन इन योर फैमिली may be suffering from but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that you keep your internal organs functioning at their optimum levels. Now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak Yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer.
At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. A profound way of addressing the aspects of a human body. Who is this webinar for? Good question. For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. Swamiji will talk about the Ashta Sharir. So what are the eight softwares in the body? Srishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti Sharir, Vikriti Sharir. So the last two part is the part, the Prakriti and the Vikriti Sharir, which plays a very, very important role in neuromuscular health issues. So Prakriti, yani ki regenerative factor of the body, Vikriti, yani ki degenerative factor of the body. So hota kya hai? Jo aapko pains and aches mehsoos ho rahe hain, inflammation, immobility, wo sab kuch hota kyun hai? Because the imbalances have happened between the degeneration and the regeneration. Yani ki the degeneration is at a much faster pace than the regeneration, especially for women post menopause. Ye jo problems hai wo to bahut saal pehle shuru ho gaya tha, but the body was taking care. But as we age, these pains become very, very evident. क्यों? क्योंकि हमारी इम्बैलेंस शुरू हो गई. सो अष्टांग चिकित्सा कैन हील. दीज आर द मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स दैट वी सी अमंग द पार्टिसिपेंट्स एवरी वीक. नी पेन, लोअर बैक पेन, हिप इश्यूज, पेन इन द लेग, ड्रॉप फुट, स्पाइन रिलेटेड इश्यू, स्लिप डिस्क, डिस्बल्ज, वीक स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ड्रूपिंग शोल्डर, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So Ashtang Chikitsa can also heal some very, very chronic problems like muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylosis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease or dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. How the webinar will proceed, we will now play the recorded video of Swamiji. Then we will be sharing the program details. Previous participants will share their experience of Ashtang Chikitsa. And the most important part of the webinar, the live Q&A with Swamiji. So, der na kare, lik dale aapke problems so that I myself will be taking up all the questions. Of course, the time will be limited, but we would try to take as many questions as possible. So kindly write it down, whatever problems you'll have. Thank you so much for listening to me patiently. And over to Anil ji to share the video. Namaste. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, दे एक्चुअली क्रिएट एवरी मूवमेंट इन योर बॉडी. आपके शरीर में वही मूवमेंट क्रिएट करना है. सो आई विल टेक वन एग्जांपल
एंड लेट्स गो अहेड अंडरस्टैंडिंग व्हाई प्रॉब्लम हैपेंस एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे। सो सपोज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है आज के समय? नी पेन। लेट्स टेक नी पेन एज एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में, नी पेन से स्टार्ट करते हैं, राइट? सो सम पर्सन हु गॉट एन इंजरी इन वन ऑफ द नीज विल गेट अ नी प्रॉब्लम इन दैट लेग, है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी। और अ स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम। डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो, पीपल आर गेटिंग इनटू, स्टिल गेटिंग इनटू प्रॉब्लम। देन व्हेन यू गो टू द डॉक्टर विथ योर नी प्रॉब्लम, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, एंड द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू हियर इज डीजनरेशन इन द जॉइंट। जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है, वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, इजंट इट? डीजनरेशन। सो द नेक्स्ट थिंग कैन बी डीजनरेशन, यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था। रीजनरेशन भी होना चाहिए। रीजनरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन सिस्टम, बट रीजनरेशन इज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली, डीजनरेशन इज हैपनिंग। दूसरा कारण हो गया, नाउ सम पर्सन गोज टू अ डॉक्टर विथ अ सोलोन नी, इन्फ्लेमेशन इन द नी, लालीपना है उसके घुटने में, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है। हाँ, द डॉक्टर विल स्टिल से देर इज अ लोकलाइज प्रॉब्लम एट द नी। वो करेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ। वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश। बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों हो जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है। इफ योर लिवर गेट्स इंपैक्टेड देयर विल बी इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। इफ योर डाइजेशन इज नॉट प्रॉपर देयर विल बी इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। थर्ड थिंग, इफ देयर इज एन इंक्रीज्ड यूरिक एसिड इन योर बॉडी, योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, देन ऑल्सो देयर विल बी इन्फ्लेमेशन। सो क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए, व्हाई दिस इन्फ्लेमेशन इज हैपनिंग? नो। सो इवन इफ यू गो फॉर अ लिवर टेस्ट, लिवर विल नॉट शो एनी साइन ऑफ डैमेज टिल इट गेट्स डैमेज टू 95%। 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा, तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। सो योर प्रॉब्लम विल रिमेन अनडायग्नोज, यूजुअली दीज डायग्नोसिस आर नॉट डन। तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देर इज अ किडनी प्रॉब्लम, बिकॉज देर इज एन इश्यू विथ डाइजेशन। नाउ रचना जी सेड आफ्टर मेनोपॉज ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेरी कॉमन। यस, व्हाट डज इट मीन? ऑल्सो आपका घुटना के दर्द का रीजन क्या हो सकता है? हॉर्मोन इम्बैलेंस, इजंट इट? अनदर रीजन इज हॉर्मोन इम्बैलेंस। हॉर्मोन इम्बैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन। So what are you doing to balance your hormones? There is no way, कोई तरीका नहीं है। Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर। If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी एग्जाम्पल नहीं है। Rather do you know if you take long term calcium the chances of breast cancer will increase by 200%? So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not
the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं, because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is अष्टांग चिकित्सा. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? डिड दे हैव प्रॉब्लम एट दिस एज? नो. सो व्हाई डिटेरियोरेशन और द प्रॉब्लम वाज नॉट हैपनिंग एट दैट टाइम टू दिस स्केल? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? बिकॉज द सिस्टम हैज गॉन वीक एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन दिस ह्यूमन बॉडी टू स्ट्रेंथन इट. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. सो लेट्स स्टार्ट. अष्टांग चिकित्सा. द फर्स्ट थिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शरीर, द वर्ड शरीर मींस बॉडी एंड माइंड बोथ. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, इसका मतलब बॉडी एज वेल एज माइंड. बिकॉज इन इन कुंभक पद्धति, इन कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, इन योग कलाचार, देर इज नथिंग कॉल्ड एज माइंड सेपरेटली. इट्स ऑलवेज शरीर. बोथ बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड अ शरीर. मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको. लेट्स टेक एग्जाम्पल. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. ओह, इट बिकम्स डिफिकल्ट. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. एंड जस्ट अ लिटिल बिट इफ यू नो हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. यू जस्ट कैच इट देन एंड देयर. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. सो इज योर एक्शन एंड योर माइंड डिफरेंट? इज योर बॉडी एंड माइंड डिफरेंट? नो, इट इज नॉट डिफरेंट. ये अलग नहीं. सो योर बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव्स टू लिव. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए cells और tissues आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे cells और tissues जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा balance में होना चाहिए. Now I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये दीज आर थिंग्स यू नो ऑलरेडी बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बॉडी. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. सो व्हेन देयर इज अ पोल्यूटेड एरिया, यू एंटर अ पोल्यूटेड एरिया, एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. इफ यू वॉच योर ब्रेथ, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पर, वॉट हैपन्स मोर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन? जरा सोचिए, प्लीज थिंक अबाउट इट, बिकॉज योर बॉडी इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते आप. योर बॉडी डजंट वॉन्ट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर. इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, वॉट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट?
What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर हॉलीडे के लिए आप हिल स्टेशन में गए, what happens more? Inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, देर इज अ राइट सिचुएशन, योर बॉडी वॉन्ट्स टू मैन्युफैक्चर मोर, इट इनहेल्स मोर. वेन देर इज अ बैड सिचुएशन, योर बॉडी वॉन्ट्स टू थ्रो आउट मोर, आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, मोर एक्सहेलेशन. सो हाउ इज योर एनवायरमेंट, नियर बाय एनवायरमेंट, आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे, हमने क्या किया वातावरण का, खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वॉन्ट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? इट वॉन्ट्स टू इनहेल लेस एंड एक्सहेल मोर. सो इज कंस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर और डिस्ट्रक्शन हैपनिंग मोर? लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, नो कंस्ट्रक्शन. सो आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग, भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इजंट इट? योर बॉडी डजंट वांट टू टेक इट, लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता. योर बॉडी प्यूक्स इट आउट ऑल्सो समटाइम्स, वो बाहर निकालना चाहता, इट डजंट वांट टू टेक इन. सो रीजनरेशन विल हैपन मोर और डी जनरेशन विल हैपन मोर? डी जनरेशन विल हैपन मोर एंड को रिलेटेड विद द सिचुएशन, इसीलिए आपके ज्वाइंट्स घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. रीजनरेशन नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. सो देर इज एन इम्बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. सो ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गेट टू, अ बैलेंस ऑफ प्रकृति एंड विकृति, अ बैलेंस ऑफ रीजनरेशन एंड डीजनरेशन, एंड देर इज अ मेथड टू डू इट. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, व्हाट यू डू? समबडी इज हिटिंग यू, कोई आपको मार रहा है, यू फील डैमेज ना, यू थिंक देर विल बी अ डैमेज. व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. यू होल्ड योर ब्रेथ एंड टेंस योर बॉडी, इजंट इट? यस और नो? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. व्हाट एवर आई एम सेइंग, यू नो इट ऑलरेडी. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, इफ यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, देर आर सर्टन सीन्स दैट यू डोंट वॉन्ट टू वॉच, देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पर. एक बच्चे को देखो, सी अ किड, द किड विल क्लोज द आईज. सो यू होल्ड योर सेंसेस ऑल्सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को. कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस, यू होल्ड योर ब्रेथ. इफ देर इज अ बैड साउंड, यू क्लोज योर ईयर्स, आप नहीं सुनना चाहते इसको, यू होल्ड योर सेंसेस. सो होल्डिंग योर ब्रेथ, होल्डिंग योर सेंसेस इज कॉल्ड एज कुंभक. इसको नाम दे रहे हैं हम. सो इट इज नॉट जस्ट ब्रेथ होल्ड, इट इज द होल्ड ऑफ सेंसेस ऑल्सो. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ऑल द फाइव सेंसेस, यू होल्ड द सेंसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. सो देर इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग मोर प्रकृति एंड बैलेंस आउट द विकृति. यू कांट स्टॉप विकृति. देखियो, देखिए, आप डीजनरेशन स्टॉप नहीं कर सकते, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ. यू विल एज, बट यू मस्ट एज ग्रेसफुली. ठीक है, तो हाउ टू बैलेंस विकृति? There is a method to balance Vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance Prakriti and balance the Vikriti. So then, next thing, when there is a regeneration, koi nayi cheez paida ho rahi hai, so it will expand, isn't it? Wo phailega. Ek shishu itna chota sa paida hota hai. There is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion.
सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे, संतुलित विस्तार। सपोज योर वन हैंड बिकम्स लॉन्ग, द अदर हैंड रिमेन्स शॉर्ट, एक हाथ लंबा हो गया एक हाथ छोटा रह गया, विल यू गेट ज्वाइंट प्रॉब्लम इन वन ऑफ द शोल्डर्स, आपको एक शोल्डर में ज्वाइंट प्रॉब्लम आएगी ना। सो इफ यू हैव वन लेग अ लिटिल लॉन्गर देन द अदर लेग, एक पांव ज्यादा लंबा है दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, सो यू विल गेट नी पेन इन वन लेग, आपके एक पांव में नी पेन होगा, यू विल गेट हिप पेन एट वन साइड ऑफ द हिप इफ योर बॉडी इज नॉट अलाइंड, द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड इज नॉट अलाइंड, यू विल गेट अ प्रॉब्लम, न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम। अगर आपकी एक मसल खिंच गए बिकॉज ऑफ अनइवन एक्सपेंशन, स्किन ढीली हो जाती है ना, स्किन बिकम्स फ्लैबी व्हेन देयर इज एन अनइवन एक्सपेंशन, यू गेट स्ट्रेच मार्क्स, इज इट इट, यू नो व्हाट इज स्ट्रेच मार्क, यू गेट स्ट्रेच मार्क बिकॉज देयर इज एन अनइवन एक्सपेंशन, असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है, एट मसल्स एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना वहां पे। सो डिसअलाइनमेंट, इफ यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट इवन वॉक स्ट्रेट, द वे वी आर सिटिंग, द वे वी आर लिविंग आवर लाइफ, वी डोंट इवन सिट स्ट्रेट, कितने लोग सीधा बैठते हैं, यू ऑलवेज टेक अ बैक रेस्ट, इज इट। सो देर इज ऑलवेज, देर विल बी, इफ यू डोंट यूज योर बॉडी प्रोपोर्शनेटली, देर विल बी डिसअलाइनमेंट, और आपकी जॉइंट प्रॉब्लम डिसअलाइनमेंट की वजह से भी हो सकती है। देर आर थ्री बेसिक डिसअलाइनमेंट दैट हैपन्स इन द बॉडी, तीन बेसिक डिसअलाइनमेंट है, नाभि, योर नेवल कैन गेट डिसअलाइन, वी कॉल इट धरण, योर चेस्ट कैन गेट डिसअलाइन, आपकी छाती डिसअलाइन हो सकती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कौडी, एंड योर लेग्स कैन गेट डिसअलाइन, आपके जांघें डिसअलाइन हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज नले इन द लोकल टर्मिनोलॉजी, नाभि कौडी नले। नाउ इफ योर नाभि इफ योर नेवल गेट डिसअलाइन, यू विल गेट इनटू डाइजेस्टिव इश्यू, मेटाबॉलिक इश्यू, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है, डू यू नो वन ऑफ द रीजन ऑफ डायबिटीज इज डिसअलाइनमेंट ऑफ द नेवल, बट नो बडी इज करेक्टिंग इट। इफ यू हैव अस्थमा और एलर्जीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, कोरोना इज ऑल्सो रेस्पिरेटरी थिंग, पीपल्स रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ द डिसअलाइनमेंट ऑफ कौडी और द चेस्ट फैक्टर एंड द डिसअलाइनमेंट ऑफ द थाइज और द लेग्स विल गेट यू इन टू हिप प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, एंकल प्रॉब्लम, शियाटिका, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो व्हाट आर यू डूइंग टू बैलेंस इट, आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो एक काम कर रहे हैं, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस, हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा। अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट, खींचने की कोशिश करें, जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड, बाई तरफ खींचने की कोशिश करें। वेन यू पुल व्हाट यू डू, ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं, यू होल्ड योर ब्रेथ, यस और नो, सांस रोकी आपने। इवन इफ यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ, वॉट इज द बेसिक की, वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है, इट इज कुंभक, इट इज होल्डिंग योर ब्रेथ। सो इफ यू यूज ब्रेथ होल्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर, यू कैन अलाइन द होल बॉडी, दैट इज वॉट वी टीच इन अष्टांग चिकित्सा, हाउ टू अलाइन योर बॉडी, एंड वंस योर बॉडी इज अलाइन, यू विल फील वेरी लाइट, आपको हल्का महसूस होगा, यू लूज एक्सेस ऑफ वेट, जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आप आपका ठीक हो जाएगा। सो संख्या शरीर, दिस इज द सेकेंड फैक्टर, नाउ अगेन इफ यू हैव टू अलाइन और संख्या, इफ यू टू करेक्ट द संख्या, यू हैव टू यूज कुंभक। नाउ लेट्स गो, लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट, प्रमाण। नाउ वन मोर थिंग इन संख्या, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest,
अगर ये तरीका पता है ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू अलाइन. सो इट नीड्स अ लिटिल कमिटमेंट, एक थोड़ा कमिटेड एटमोसफेयर चाहिए होता है उसके लिए. दैट इज वाई टीच इट, वी टीच इट इन द क्लास, हम क्लास में सिखाते हैं. नाउ द फोर्थ एस्पेक्ट, प्रमाण शरीर, प्रकृति विकृति संख्या प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण मीन्स डेंसिटी, इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं, वी कॉल इट धातु. देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इज़न्ट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. लाइक बोन इज वेरी मच डेंस, हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में, एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, देर आर, दिस इज कॉल्ड ए सप्त धातु. सेवन डिफरेंट डेंसिटी टिश्यू की है आपके शरीर में. देर आर सेवन डिफरेंट डेंसिटीज, टिश्यू ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, दीज आर सेवन डेंसिटीज. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. इफ द डेंसिटीज बिकम्स लेस, इफ यू लूज द डेंसिटी, योर ऑर्गन फंक्शनिंग विल नॉट हैपन प्रॉपरली. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन है, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, इनको काम करने के लिए देर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. वट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियाज इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. वट इज हाइपोथायरॉयडिज? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, है ना? इट हैज ऑल्सो रिलेशन विथ लिवर. वट इज किडनी डिजीज? योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. ऑर्गन डैमेज आजकल ज्यादा है. यू विल सी मोर क्रॉनिक डिजीज आर देयर, है ना? ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है. सो हाउ डू यू करेक्ट योर ऑर्गन? सपोज देर इज अ ज्वाइंट पेन ड्यू टू लिवर डिसफंक्शन. लिवर के कारण आपके शरीर में ज्वाइंट पेन है, इंफ्लेमेशन. सो यू विल हैव टू करेक्ट द लिवर. आपको लिवर ठीक करना पड़ेगा. इज देयर अ मेडिसिन टू करेक्ट लिवर? नो, देर इज नो मेडिसिन टू रिजुविनेट योर ऑर्गन. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देर इज नो मेडिसिन, देर के नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? बट पीपल इन टू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, दे ऑल्सो गेट डायबिटीज, दे ऑल्सो गेट हार्ट अटैक. 40-40 साल के जवान जो है वो, बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस, अपने बाई हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से, मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को, पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. हाउ डू यू क्रिएट दिस स्ट्रेंथ ऑफ पुशिंग? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड. करके देखिए दोबारा, अगेन, डू इट अगेन, सी, पुश इट हार्ड. यू होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के बाय होल्डिंग द ब्रेथ वेयर आर यू क्रिएटिंग द ट्रिगर? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ. यू होल्ड योर ब्रेथ एंड यू, व्हेन यू लिफ्ट वेट विद द राइट हैंड, सपोज कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, द ट्रिगर गोज टू द राइट हैंड मसल्स. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong, your right hand muscle grows. aisa hi hota na, bodybuilding aisa hi hota na. this is what, how weight training and bodybuilding happens, isn't it?
So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे, तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? इंटरनली योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी सर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम, पसीना आ जाएगा. वेयर डिड द ट्रिगर गो? इनसाइड. सो बाय ब्रेथ होल्ड यू कैन क्रिएट एन इंटरनल ट्रिगर. कैन यू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स योर हार्ट, टुवर्ड्स योर लिवर, टुवर्ड्स योर किडनी, टुवर्ड्स योर थायराइड, टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए, हाउ यू मेड वन हैंड मोर स्ट्रॉन्गर देन द अदर? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? बिकॉज यू वर्क विद दैट हैंड मोर, इजंट इट? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. एंड हाउ डिड यू वर्क? ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन, दैट हैंड बिकेम स्ट्रॉन्ग. सो इफ यू डू ब्रेथ होल्ड एंड डायरेक्शन इन साइड, दैट ऑर्गन विल बिकम स्ट्रॉन्ग. दिस इज द ओनली वे, देर इज नो अदर वे. So how you can make rejuvenate your liver, how you can make your liver strong, how you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtang Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है, तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. उसको दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also, chote bachchon ke bhi organ weak ho rahe. Is waqt ye zaruri hai ki andaruni kaam kiya jaye. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? Aapka heart, आपके मसल्स, योर नर्वस सिस्टम, मसल्स, बोन्स, दे ऑल वर्क टुगेदर. इफ यू टेक आउट हार्ट, यू विल नॉट बी एबल टू मूव, यू विल नॉट बी एबल टू लिव. इफ यू टेक आउट लिवर, यू विल नॉट बी एबल टू लिव. सो दे ऑल वर्क टुगेदर. सो दे देर आर जंक्शंस, ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. देर आर जंक्शंस, मसल एंड नर्व जंक्शन, मसल एंड बोन जंक्शन, टू बोन्स एंड देर इज अ जंक्शन. ऐसा ही है ना, दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. ऑर्गन आपकी आंतों के बीच में, लंग्स, ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल बॉडी इज कनेक्टेड. ये सब जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो जंक्शन पॉइंट है, दिस जंक्शन पॉइंट ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड एज मर्मा. इफ दिस जंक्शन पॉइंट इज ओके, लुब्रिकेटेड एंड फ्लेक्सिबल, यू कैन परफॉर्म बेटर. अगर ये जंक्शन पॉइंट ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक मूवमेंट ठीक से होगा. योर ऑर्गन फंक्शन विल हैपन प्रॉपरली. सो दीज आर कॉल्ड मर्मर्स. सो मर्मा नीड्स अ कॉन्स्टेंट रिजुवनेशन. इनसे इनको कॉन्स्टेंटली एक तरीके से मूवमेंट देना पड़ता है. टू कीप इट फाइन, वी नीड टू एक्चुअली कीप, make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. Aapke sharir mein do tarike ka movement ka, blood circulation and lymph circulation. Aise maan ke chaliye, just think about it, there are tissues and cells. Aapki koshikaen hain. The waste product gets thrown out of their walls. Wo apne bahar apna waste chhod dete. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कट करते हैं तो आवाज आती है ना. If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body.
So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. इंटरनल एनवायरमेंट साफ बनेगा आपका तभी देर विल बी प्रकृति न्यू सेल्युलर फॉर्म बेटर सेल्युलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्युलर फॉर्मेशन कॉल्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरमेंट कैंसर हैपन्स बिकॉज ऑफ अ कैंसर एनवायरमेंट. और उसके लिए इफ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दैट देन देर शुड बी कॉन्स्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म अष्टांग चिकित्सा में देर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा देर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंग न्यास एंड मर्म विन्यास विच एक्चुअली वर्क्स अपॉन देर इज अ पर्टिकुलर मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर वे विथ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रीदिंग. इट्स अ पार्ट ऑफ अष्टांग चिकित्सा. नाउ गो अ लिटिल फर्दर. नाउ एवरीथिंग इज रेडी फॉर फंक्शनिंग. ना टिश्यूज ऑर्गन जॉइंट मर्म सब कुछ तैयार हो गया. नाउ यू फंक्शन यू लिव योर लाइफ यू डू मूवमेंट यू डू फंक्शन काम होता है ना. तो फंक्शन देर आर थ्री थिंग्स विच आर अटैच टू फंक्शन. तीन चीजें हैं फंक्शन के साथ में जुड़ी मटीरियल एनर्जी एंड मूवमेंट. फंक्शन मीन्स थ्री थिंग्स मटीरियल एनर्जी एंड डायनामिज्म. इसी को कहते हैं कफ पित्त वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेसबुक यूनिवर्सिटी यूट्यूब यूनिवर्सिटी. सो एवरीबडी इज एजुकेटेड. यू नो एटलीस्ट यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड वात पित्त कफ. मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो वॉट इट इज. दे ट्राई टू मेक एन आइडिया बट मटीरियल एनर्जी एंड डायनामिज्म कफ पित्त वात. Most of the problem is attributed to dynamism. Vat dosh zyadatar problem ke saath mein juda hua hai. So what is your joint problem? What is it called as? Vat dosh. Right? Movement ko aap control kaise karte hain? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए देखिए पीछे अपने पीछे देखिए how do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. Kumbhak karna padega ki nahi karna padega? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, usse kya hoga? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's a little temporary. Kya aapka ghutna theek ho jayega? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. Koi aur chara hai nahi. So dosha, dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance but to a certain extent. Keval ek extent tak hi kar sakte hain. They can be a little help but they cannot be cure rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem usually kehte hain neuro problem. Somebody was talking about So, what people were talking about? Crohn's spondylitis and what else? Neuro problem. Now, something called as drop foot, neuropathy. है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So, neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem.
देर इज न्यूरो डीजेनरेशन, डीजेनरेटिव डिजीज विच द डॉक्टर विल से इट डजंट बिकम फाइन, इट डजंट, नो, देर इज नो सोल्यूशन फॉर दैट. देर आर समटाइम्स ऑटो इम्यून डिजॉर्डर ऑफ नर्वस ओरिजिन विच फॉर विच देर इज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन है ही नहीं. सो आई टेल यू सम एग्जाम्पल्स, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं. सो देर वॉज अ पर्सन हु वॉज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, एक 64 ईयर ओल्ड, 64-65 ईयर ओल्ड प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और सम एसोसिएट दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई कॉलेज है उसमें. सो ही सफर्ड पैरालिटिक स्ट्रोक एंड लॉस्ट सेंसेशन इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी. ही स्टार्टेड डूइंग कुंभक. इन 3 मंथ्स टाइम ही रीगेन्ड द सेंसेशन बाय ऑलमोस्ट 95% ऑन दैट पार्ट. नाउ अनदर अनदर एग्जाम्पल, देर वॉज अ मैराथन, देर इज अ मैराथन रनर, शी इज अ लेडी, एक लेडी मैराथन रनर. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon marathon sab band ho gaya. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं, they are in always fluctuating mode. He started Kumbhak and in 3 months time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% is gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. उसका voice box related issue था. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak in 4 to 5 months time. He said, I can talk for long now. Main kafi samay tak ab bol sakta hu jo pehle nahi bol sakta. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you are talking like Parkinson, paralysis and neuropathy. You can actually revive, your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the seventh sharira. It is called as garbha sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word garbha means a quality of environment, an environmental quality. So garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So garbha means quality. Garbha quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say garbha sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body, how much your body has potential, in what direction, in what vertical. It is your genetics, isn't it? This is called as garbha sharira. The garbha sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I'm telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics.
And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Srishti Sharira. Eighth Sharira is Srishti Sharira. Srishti means what? In which you are sunk. Like Srishti for a fish is the sea. Ek machli ke liye samudra Srishti hai. So the water around her is Srishti for her. So for human being, the cosmos, ye Brahmand is Srishti. So it applies lot of forces, na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting, na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर, उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? व्हाई अ ट्री ग्रोज अप? व्हाई अ बर्ड फ्लाइज? बिकॉज यू मस्ट बी अप्लाइंग अ फोर्स अपोजिट टू ग्रेविटी. यस और नो? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध, आप जानते भी नहीं है. यू डोंट इवन नो नोटिस, बट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स अपोजिट टू ग्रेविटी. सपोज कीजिए आपके अंदर दिस फोर्स बिकम्स वीक इनसाइड यू. ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया, आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. यू विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील हेवी? ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा? आपके ज्वाइंट पे. इट विल इंपैक्ट द ज्वाइंट, यस और नो? दिस हेवीनेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, STRESS. यू टॉक अबाउट स्ट्रेस बट आपको मालूम नहीं है स्ट्रेस क्या है. यू थिंक सिचुएशन क्रिएट स्ट्रेस? नो. पुट 10 पीपल इन द सेम सिचुएशन, 5 विल गेट स्ट्रेस, 5 विल नॉट. इट इज नॉट द सिचुएशन, इट इज योर इनएबिलिटी टू हैंडल अ सिचुएशन क्रिएट स्ट्रेस. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So, are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So, I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. द अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड उदाना. इन कुंभक कलाचार, इन कुंभक विज्ञान, वी कॉल इट उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. दिस हैज कम फ्रॉम द रूट उदाना. दैट मीन्स ऑपोजिट टू ग्रेविटी फोर्स. देर आर 84 फोर्सेस विच यू आर स्ट्रगलिंग एवरी मोमेंट फ्रॉम थ्रू. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. योर ऑर्गन फंक्शन अकॉर्डिंग टू दीज फोर्सेस. सो विच फोर्स हैज गॉन वीक इन यू बिकॉज ऑफ विच यू हैव गॉट इन टू वन प्रॉब्लम? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? दैट इज वॉट वी डायग्नोज इन प्राण शक्ति डायग्नोसिस. यही प्राण शक्ति डायग्नोसिस है. We find out the force which has become weak in you, and because of that, you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do pranashakti diagnosis. And in the 9 weeks, you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 hafte tak aap ek module seekhte hain. There are three things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as हठ विन्यास. The third one is called as कुंभक therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then
You get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex, Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. Koi magic dawai nahi ban sakti sharir ke liye. Why? Because this body is, first of all, not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. Jab aap ek petrol ki gaadi lete hain, to diesel dalte hain usme. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, not, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? Ye common sense kahan chala jata hai is samay jab apne sharir ko istemal karte hain. That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this body is magical. Let me give you this guarantee. Ye sharir bahut magical hai. Ye theek karta hai apne aap ko. This is the only gadget which is self-corrective. Or it corrects itself. Ye khud ko theek karta. Aap mauka de isko. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important, wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. Aapne dawaiyon pe invest kiya pichle 50 saalon mein. Kitni badh gayi. Wo aapko rule karne lag gayi. Aap health pe invest kijiye. Just invest in health and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. Yahan pe main rukunga. So the team will take you forward. Team aapko aage batayenge. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. I am sure aap log ko thoda sa jankari mila ki human system kaise kaam karta hai and how we can make miracles happen if we work and strengthen our own system. Do you agree with me? Give me a quick thumbs up if you have understood the video. Thank you so much, Savita ma'am. And how many of y'all would like to know the program details? Give me a quick thumbs up so that I will start with the program details. Okay, so a lot of people excited to know about the program details. Just give me 2 minutes. So here we are. Let us know about the Ashtang Chikitsa online program details now. ये हमारा यूनिक थेरेपी जो दुनिया में कोई भी नहीं करवाता है उसके बारे में अब हम डिटेल्स जानेंगे. Let's move further. It's a guided program conducted online by trained Kumbhak mentors. तो आप सोच रहे होंगे ये कोई भी करवा सकता है बट नहीं. जो हमारे कुंभक मेंटर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, उनको तैयार किया जाता है, उसके बाद ही वो सेशन ले सकते हैं. सो दे आर पर्टिकुलरली ट्रेन्ड इन द कुंभक थेरेपी. So what are the program modules? Let's see. सभी को मालूम है आयुर्वेदा के हिसाब से हमारे बॉडी में 3 दोष होती है, वात, पित्त और कफ. तो जब आप हेड टू टो पूरा बॉडी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, यू हैव टू बैलेंस दीज दोषस. तो वात, पित्त, कफ तीनों ही आपको करना ही पड़ता है.
और ईच ड्यूरेशन इज 21 डेज. वात का 21 डेज, पित्त का 21 डेज, कफ का 21 डेज. प्रोग्राम ओवरव्यू, तो कितना ड्यूरेशन तक आप हमारे साथ रहेंगे एंगेज्ड? 9 + 1, 10 वीक्स. क्लासेस, आपको 2 लाइव क्लास मिलेगा पर वीक. एक एक हफ्ता में आपको 2 लाइव क्लास मिलेगा. एक होगा लर्निंग और मेन क्लास, और एक होगा मेंटरिंग और प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम मेंटर्स जो हैं वो आपको देखेंगे कि आप प्रैक्टिस सही से कर रहे हैं या नहीं. व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? पे द प्रोग्राम फी, वेबिनार स्पेशल प्राइस, फिल द पीओ फॉर्म, लॉग इन क्रेडेंशियल्स फॉर कोर्स एक्सेस, स्टार्ट योर क्लासेस विद मॉड्यूल 1, 2 एंड 3. सो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आर 21, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको. 6 क्लासेस मॉड्यूल 1 का, जो कि वात का क्लास है, 3 लर्निंग 3 मेंटरिंग. पित्त में जब आएंगे फिर 6 क्लासेस हैं, 3 लर्निंग और 3 मेंटरिंग, टोटल 21 दिन. फिर जब हम लोग कफ मॉड्यूल में आएंगे, अगेन 6 क्लास 3 लर्निंग 3 मेंटरिंग, 21 दिन. सो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इज 18 लर्निंग क्लासेस + 1 रिव्यू क्लास + 1 कस्टमाइजेशन क्लास. तो हमने आपको इनिशियल स्लाइड में बताया था 19, तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आपको मिल रहे हैं 20 क्लास. एक रिव्यू क्लास भी हम लोग देते हैं, ताकि 18 आपने कुंभक का पूरा प्रैक्टिसेस सीखा, फिर कस्टमाइजेशन हुआ, फिर हम लोग आपका पर्टिकुलर जो कस्टमाइजेशन है उसको हम लोग एक रिव्यू क्लास के द्वारा पूरा फिर से आपको क्लैरिफाई करते हैं. सो टोटल आपका एंगेजमेंट हो गया 10 वीक्स. अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं बैच 166. वाओ! सो 25 दिसंबर, मेरी क्रिसमस के दिन, मंडे @7 PM. तो आपको क्या क्या मिलने वाला है? लाइव क्लास, लाइव सेशंस, क्लास एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो है सबसे इम्पोर्टेंट. एक ऑनलाइन थेरेपी क्लास में तो आपको ये सब सेशन लाइव मिलेगा. मेंटर्स आपको देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया. रिटन इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, और सेशन रिकॉर्डिंग भी मिलेगा. तो अगर आपने कोई क्लास मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, आप सेशन के रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, रिटन इंस्ट्रक्शन आपके पास रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में आप मेंटर से पूछ भी सकते हैं. एंड वॉट आर द एक्स्ट्रास वी आर ऑफरिंग यू इन दिस ऑनलाइन थेरेपेटिक क्लास? मेंटल प्रैक्टिसेस सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आप अपने मेंटल को भी तैयार करें टू फाइट अगेंस्ट अ पर्टिक्युलर डिजीज. कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको कामनेस ऑफ माइंड के साथ आपको क्रियाएं करनी पड़ेंगी, ताकि आप अपना गोल रीच कर सको. यूनिक डाइट पर्सपेक्टिव, एक्सक्यूज मी, तो डाइट पर्सपेक्टिव यानी कि हम आपको डाइटिंग करने नहीं बोलेंगे, आपका जो खान पान है उसी में हम आपको अलग अलग तरीके से कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं वो हम बताएंगे. सिंपल डिटॉक्स प्रोसेस, हम सभी को मालूम है हमारा जो लाइफस्टाइल है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत सारा टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाता है, उसको हम कैसे सिंपली डिटॉक्स प्रोसेसेस से कर सकते हैं डिटॉक्स वो हम आपको बताएंगे. नॉलेज लाइक नो अदर, जो नॉलेज आपको इधर मिलेगा वो शायद ही कोई आपको बता पाएगा. सो बिफोर आई शेयर द प्रोग्राम डिटेल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हु दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर. ये प्रोग्राम किसके लिए नहीं है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है.
Just a sec. So, who is this program not for? Not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow. आपको अगर ऐसे चाहिए कि एक पिल का आया और कल ही प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया, वैसे होता तो नहीं है, बट वो हम अपने मन को सांत्वना देते हैं कि चलो छुटकारा मिला। पर जो चीज जल्दी छुटकारा देता है तो लॉन्ग टर्म उससे साइड इफेक्ट्स भी होते ही हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है जो आपको कल ही रिजल्ट देगा। दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन देयर बॉडी। जैसा कि मैंने वेबिनार के शुरू में ही बोला था कि जो लोग अपने शरीर के ऊपर काम करने को तैयार नहीं है, उन लोगों के लिए ये क्लासेस है ही नहीं। नॉट फॉर दोज हु कैन नॉट इन्वेस्ट 80 to 90 minutes एवरी डे ऑन देमसेल्व्स। जो 80 से 90 मिनट अपने ऊपर नहीं लगा सकता है तो उनके लिए ये प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है। नॉट फॉर दोज हु आर इम्पेशेंट। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि आप अपने शरीर पे काम कर सकते हैं और अपने डिजीज से बाहर निकले। नॉट फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर अ फ्री ट्रीटमेंट और जस्ट सम टिप्स। ये तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे फ्री ट्रीटमेंट मिलेंगे, बट क्या ये सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। तो आप अगर फ्री ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या क्या मिलता है? प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन। प्राण शक्ति डायग्नोसिस हम लोग करते हैं फॉर सम रूट कॉज डिटर्मिनेशन, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नी पेन है तो वो आपको सामने महसूस हो रहा है नी पेन, और आपको लालीपना दिख रही है, इन्फ्लेमेशन है, मोबिलिटी इश्यूज हो रहा है, बट क्या आपको मालूम है आप अभी तक क्या करते आए हैं कि वो लोकलाइज्ड पेन जो है उसको उधर ही हम लोग इधर बोली नहीं लगाते हैं या कुछ उसमें उपटन लगाएंगे, कुछ करेंगे ताकि हमारा पेन रिलीफ हो, बट वो सब शॉर्ट टर्म होता है। इसका रूट कॉज जानना बहुत जरूरी कि ये आखिर हुआ क्यों, और वो रूट कॉज आपके किसी भी ऑर्गन के मैल फंक्शन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल द लिवर, द इंटेस्टाइन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी ऑर्गन जो हमारे स्वामी जी प्राण शक्ति डायग्नोसिस के द्वारा पहुंचते हैं कंक्लूजन पे कि एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम आपको है उसको किस लिए वो हो रहा है। व्हाट ऑल यू गेट? वीकली वन मेन क्लास ऑफ 60 to 90 minutes। हफ्ते में एक बार आपको मेन क्लास मिलेगा 60 to 90 minutes, अनदर प्रैक्टिस क्लास ऑफ 60 to 90 minutes। तो टोटल आपका एंगेजमेंट हमें हफ्ते में दो बार ही चाहिए, और समझ लीजिए 1.5 घंटे तक आपका एंगेजमेंट चाहिए। वैसे तो 1 घंटे में हो जाता है, बट क्वेश्चंस भी रहते हैं तो वो एक्सटेंड हो जाता है। ऑनलाइन कोर्स एक्सेस फॉर 6 मंथ्स। आपने आज कोर्स कंप्लीट किया और आपको इसके 6 महीने बाद तक आपको कोर्स एक्सेस मिलता है। वीडियोस ऑफ ऑल क्रियाज डन इन द क्लास, जो जो क्रियाएं करवाई जा रही सबके आपको वीडियोस मिलेंगे। रिटन इंस्ट्रक्शंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको रिटन इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप टू आस्क डाउट्स एंड क्वेश्चंस 6 days। आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट्स क्वेश्चंस भी पूछने को मिले, जो हमारा क्लास ग्रुप होगा। इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग फीडबैक, तो हम इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट का प्रोग्रेस भी ट्रैक करते हैं, उनसे फीडबैक भी लेते हैं। टाइम टू टाइम एक एक मॉड्यूल जैसे ही खत्म होता है हम लोग प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं।
थेरेपी कस्टमाइजेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द 10th. 10वें हफ्ते में हम आपका जो थेरेपी है उसका कस्टमाइजेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर्म जो आप फिलअप करके हमें देते हैं. एक्स्ट्रा फ्री सपोर्ट फॉर 30 डेज आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर. हम आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं प्रोग्राम ओवर होने पर भी. हम उसके बाद 1 महीना आपको फ्री सपोर्ट देते हैं. व्हाट ऑल यू गेट? प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर रूट कॉज डिटर्मिनेशन. वीकली वन मेन क्लास ऑफ 60 to 90 मिनट्स. वन प्रैक्टिस क्लास ऑफ 60 to 90 मिनट्स. ऑनलाइन कोर्स एक्सेस फॉर 6 मंथ्स. कोर्स डैशबोर्ड वीडियोस ऑफ ऑल क्रियाज डन इन द क्लास. जितनी भी क्रियाएं क्लास में करवाई जाएंगी उसके सारे वीडियो आपको मिले. रिटन इंस्ट्रक्शंस. प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप टू आस्क डाउट्स एंड क्वेश्चंस 6 दिन. इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग फीडबैक. थेरेपी कस्टमाइजेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द 10th वीक. एक्सटेंडेड सपोर्ट फॉर 30 डेज आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर. सो व्हाट्स द कोर्स फी? फर्स्ट लेट्स लुक एट हाउ मच यू मे ऑलरेडी बी स्पेंडिंग टू जस्ट मैनेज योर डिजीज विथ एलोपैथी और फिजियोथेरेपी. ईयरली एक्सपेंसेस 6,000 to 12,000. फिजियोथेरेपी 12,000 to 30,000. मेडिसिन 15,000 to 30,000. टोटल ऑफ 33,000 to 72,000 पर ईयर प्लस साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स. ऑफकोर्स ये फीस सिटी टू सिटी वेरी करता है. तो ये लगभग आपका खर्चा है एक डिजीज को सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने के लिए. कोई सल्यूशन नहीं है और उससे छुटकारा भी आपको नहीं मिल रहा. प्रोग्राम फी फॉर अष्टांग चिकित्सा 14,500 फॉर नॉन वेबिनार पार्टिसिपेंट्स. क्योंकि आप वेबिनार में आए हैं और आपने सुना है तो हम लोग आपको एक स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग देंगे. 6,500 ओनली वैलिड टिल 23rd December 12:30 PM. 10 वीक्स प्रोग्राम 20 क्लासेस. सो आपका पर क्लास इज ओनली एंड ओनली 325 रुपीज प्लस ऑल द 10 बेनिफिट्स. सो हाउ टू एनरोल? आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है. ये सब हम लोग वेबिनार ग्रुप में भी शेयर करेंगे और अभी चैट में भी हम लोग शेयर कर देंगे. तो Step 1 पे द प्रोग्राम फी. Step 2 पोस्ट द पेमेंट रिसीट इन व्हाट्सएप ग्रुप. फिल द पार्टिसिपेंट ऑन बोर्डिंग फॉर्म. Step 4 ज्वाइन द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप. Step 5 स्टार्ट अटेंडिंग क्लासेस टू लर्न अष्टांग चिकित्सा. ओके. सो पेमेंट मेथड्स क्या क्या है? डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जीपे पेटीएम फोन पे यूपीआई कैश डिपॉजिट इन द बैंक बैंक ट्रांसफर इंटरनेशनल पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड और पेपैल. तो इतने सारे तरीके हैं. कोई भी आपको इजी लगे आप वैसे पेमेंट कर सकते हैं. ये सब कुछ मैं दोबारा बोल रही हूँ. ये वेबिनार ग्रुप में भी शेयर होगा और चैट में भी शेयर होगा. कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं. सो व्हाट विल यू गेट आफ्टर द प्रोग्राम प्लस 30 डेज ऑफ एक्स्ट्रा सपोर्ट इज ओवर. जब एक प्रोग्राम खत्म हो गया 30 डेज एक्स्ट्रा सपोर्ट भी खत्म हो गया तो आपको क्या मिलेगा? यू विल बी एडेड टू आर टेलीग्राम ग्रुप फॉर लाइफ. उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? यू विल रिमेन कनेक्टेड विद अस. यू विल बी एबल टू अटेंड स्पेशल पूर्णिमा सेलिब्रेशन सेशंस एवरी मंथ. बिकम अ मेंबर ऑफ अवीसा कुंभक धारा एंड अटेंड एंड होस्ट एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ज्वाइन आर कुंभक एम्बेसडर प्रोग्राम एंड प्रमोट कुंभक. बिकम अ कुंभक मेंटर एंड हेल्प अदर्स विद देयर एलिमेंट्स. तो आप हमसे जुड़े ही रहेंगे अगर आप जुड़ना चाहते हो तो. हम आपको नहीं छोड़ते हैं.
सो लेट्स लुक एट अ सुपर टीम एट योर सर्विस. सो ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन थेरेपेटिक क्लास चलाने के लिए हमारे पास एक टीम है जो कॉन्स्टेंटली काम कर रही है ताकि आपको कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो. और बी इट टेक्नोलॉजी रिलेटेड, बी इट एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल टू यू ऑन टाइम. सो रचना श्रीमल बोथरा, दैट्स मी द प्रोग्राम डायरेक्टर. शालिनी भागवत, शी इज द क्लास मैनेजर. अश्विनी कुमार इज द मैनेजर आईटी. नेहा उपाध्याय इज द एनरोलमेंट इंचार्ज. एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ लिस्ट ऑफ मेंटर्स जस्ट टू टेक केयर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. रंजना स्वेन, सोनी छाबड़िया, अरुणा नारायण, नीना राय, मीरा नानबेल, सुषमा रस्तोगी, मानवी श्रोफ, सूर्य प्रताप, विभा चौरगे, व्हाट्सएप एडमिन अनिल चौहान, टेक्निकल हिमांशु रेड्डी, एंड वी हैव द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनल सपोर्ट अंकिता, अनीता, अंकना, कविता एंड उषा. तो टाइम टू टाइम आपको अनीता मैडम कॉल भी करेंगी जस्ट टू टेक द फीडबैक ऑफ हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग विथ योर कोर्स एंड वेदर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम. So those who want extra support, you can pay rupees 2,000 more and get special support sessions on Zoom 11 a.m. to 1 p.m. Monday plus Wednesday plus Friday, 9 p.m. to 10 p.m. on Tuesdays and Thursday, plus class recordings for 12 months. Thank you so much for listening to me patiently. Now we will be taking up the question and sorry, we'll be having somebody live to share her journey of stung chickens. So I'll just okay. Amrit Kaur ma'am, please tell us about your journey of stung chickens. First Thank you of so all, I'm much, very ma'am. thankful. थैंक यू मैम. मैंने 14 अक्टूबर को ये ज्वाइन किया था. हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी. जी मैम, मैंने 14 अक्टूबर को ज्वाइन किया था और मुझे प्रॉब्लम थी विद माय मेंस्ट्रुएशन साइकल्स. मुझे बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होता था और मैं एलोपैथिक पहले ट्राई कर बैठी थी, आयुर्वेदिक ट्राई कर बैठी थी, और उसमें मेरा मंथली एक्सपेंसेस होता था 10 to 12,000 तक, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो मैं खा रही थी. और इन बिटवीन क्या हुआ कि मेडिसिन खाते खाते मेरा लीवर भी कॉम्प्रोमाइज हो गया था बहुत ज़्यादा. जो SGPT और SGOT मेरे 800 400 तक पहुंच गए थे. और लकीली यूट्यूब पे मैंने आपके देखे एड्स, देखी इंस्टा पे, देखी यूट्यूब पे, देखी, तो मैंने ये वेबिनार ज्वाइन किया जैसे आप आज कर रहे हो. उससे फिर मैंने ये कंटिन्यू करने की सोची, जस्ट फॉर ट्राई करने की सोची कि ठीक है, मैं इतना तो एक्सपेंसेस कर रही हूँ, ये भी एक ट्राई करके देखते हैं. तो जब मैंने 1 month ही हुआ था अभी, तो मेरी मेडिसिन सारी छूट गई थी, जिससे बल्कि बिल्कुल मेडिसिन से मेरे को पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि नुकसान ही हो रहा था, वो मुझे दिख रहा था, मगर फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. फिर जब मैंने ये ज्वाइन किया तो मुझे इससे फर्क भी, मैंने मेडिसिन बिल्कुल टोटली खुद ही छोड़ दी थी. और मैंने लास्ट वीक अब टेस्ट करवाए हैं सारे अपने, तो मेरा SGPT लीवर जो था बिल्कुल नॉर्मल आ गया. SGPT जो 30 के अंडर होना चाहिए उसी में आ गया. और मुझे जॉइंट पेन्स भी थी, वो भी लीवर के प्रॉब्लम की वजह से हो गई थी लास्ट 3 4 months से, तो वो भी मेरी बिल्कुल रिजॉल्व हो गई. जैसे एक मैजिक होता है उसी तरह से मेरे साथ हुआ मैम. आई एम वेरी थैंक्स टू यू फॉर दैट मैम. थैंक यू सो मच अमृत कौर मैम टू जॉइन अस टुडे इवनिंग. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट श्यामला मैम टू प्लीज शेयर हर जर्नी ऑफ अष्टांग चिकित्सा. श्यामला मैम, थैंक यू सो मच मैम. मैम प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ. गुड इवनिंग एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस मैम. गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम श्यामला कृष्ण कुमार. आई
I joined this course, Ashtanga Chikitsa, in September after attending the webinar. I was diagnosed with early stage Parkinson's. I had a mobility disorder on my right side coupled with diabetes, hypertension, and varicose veins. Though diabetes was under control, sugar levels always fluctuated. After joining this program, initially I experienced body pain, etc. But religiously, as instructed by Swamiji and mentors, I wake up every day at 4:30 a.m. and start practicing from 5 a.m. to 6:30 a.m. daily. My only difficulty is that I can't sit and do the kriyas. Initially, I experienced pain in my joints and even swelling in my knees. I had difficulty in climbing stairs. Now I am feeling much better, really much better. I feel more energetic and can now climb stairs without any difficulty. My family members and friends say now that there is a visible change in my face. I feel very happy and more relaxed now. My walking also improved as I can now walk a little faster, waving my hands. Before, I couldn't wave my hands while walking. I take this opportunity to thank Swamiji for his inspiring speech and especially Arunaji, who was patiently enough to address our concerns. I am happy with my progress. And thanks everyone, once again for their help and support, and also each one at Avisa. Thank you. Thank you so much, Shyamala ma'am, for sharing your journey of Ashtang Chikitsa. Now let me see if Swamiji has joined in. He has joined in, so we will just take up the questions one by one. Namaste Swamiji, good evening. So we will take up the questions one by one. I have unmuted the participants. So Saroj Sahu ma'am, you can ask your question. Saroj Sahu ma'am, please unmute yourself. Since there are no questions on the chat, so please raise your hands one by one. You can ask your questions. Hello. Yes, Saroj Sahu. Hello. Yes. Namaste, Guruji. Namaste. Guruji, actually, mera jo back pe bahut pain ho raha hai. Jaise ki mere ko lag raha hai ki ye muscle pain, spinal cord ki dono side mein. बहुत मसल का दर्द हो रहा है, जैसे कि आगे झुकने से और थोड़ी देर खड़े होने से पूरा पेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड की दोनों साइड का मसल। और गुरु जी, मेरा जो ये भी घुटने में भी, जो नी में भी कोई पेन आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझने, हाँ हाँ, थोड़ा इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कभी करके देखो, ठीक है ना। जिनको भी ऐसा स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ में कमर में दर्द आता है या घुटने का दर्द है, उनके लिए जंपिंग थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा जंप करेंगे तो दर्द बढ़ेगा। ऐसा होगा ना, अगर अपने को उठाने की कोशिश करेंगे, दोनों हाथ को किसी दोनों ऊंची जगह पे रख के अपने को उठाने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा कि वो कमर के दोनों तरफ में बड़ा जबरदस्त पेन आया, एकदम अक्यूट पेन आया। ऐसा आप कभी करके ट्राई करके देखो, ऐसे दो रॉड होती है ना, उस पर ऐसे हाथ रख के थोड़ा अपने को उठाने की कोशिश करो, या किसी ऊंची जगह पे अपने को उठाने की कोशिश करो, तो पता चलेगा कि वो कमर में दोनों तरफ में बड़ा एकदम तेजी से पेन आया। इसे समझ में क्या आ रहा है, इसे समझ में क्या आ रहा है, जब ये अगर करके देखते हैं तो बड़ा पेन आ रहा है, इसका मतलब बहुत आसानी से समझिए कि आपको शरीर उठाते ही पेन आ रहा है, तो शरीर के उठाने की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है।
ना, शरीर अपने आप को भी तो उठा के रखता है ना, आप लेटे तो नहीं रहते हमेशा, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, तो उस समय शरीर को अपने को उठा के रखना पड़ता होगा ना, बॉडी को अपने को सीधा रखना, रखने के लिए जोर लगाना पड़ता होगा ना, बिना जोर लगाए तो आप खड़े नहीं हो सकते या उठेंगे नहीं, लेटे रहेंगे। तो ये जो उठाने की क्षमता है ह्यूमन बीइंग की, यही चीज आप एक बच्चे में देखिए, वो तो कूद रहा है, वो चल भी नहीं रहा, वो कूद कूद के चलता। तो इस शक्ति को उदान शक्ति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उदान शक्ति, उठाने की, अपने को उठाने की। बर्ड में ये बहुत ज्यादा होता है, किसी चिड़िया में बहुत ज्यादा होता है, तो इसे इसी की वजह से उड़ान शक्ति ज्यादा होती है, तो उड़ान भरते हैं, वो उड़ते हैं, आराम से उड़ पाते हैं। ये अपने को, पहला मैं दो तीन तरीके से इसको समझा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर जगह आ रहा है, मगर इसको समझने की कोशिश हम नहीं कर रहे, हम सोच रहे हैं दर्द हो रहा है, शायद ये मसल का है, शायद ये बोन का है, शायद मेरा हिप जॉइंट में प्रॉब्लम आ गया, ऐसा शायद शायद करते तो किसी का ठीक होता नहीं है ये, है ना। इतने ज्ञानी होने के बाद आप देखिए, किसी का तो ठीक होता नहीं, आप दर्द की दवाई ज्यादा से ज्यादा खाते, और तो कुछ छोटा ही ठीक तो ये होता ही नहीं है। तो ये जितना भी ज्ञान है वो आपको ठीक तो कर ही नहीं रहा, तो ये आइडिया लगाने से कुछ होगा नहीं। हाँ, आइडिया वहां पे काम करता है जहां एक इंजरी है, चोट लगी है, वहां पे कोई बोन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई ऐसा इंटरनल इंजरी होगी तो चलेगा, तो आप स्कैन करो उसको, वो तो आप नहीं भी करोगे तो भी ठीक हो जाओगे। मुझे बताइए कि अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे क्या, आप चोट लगेगी तो? आजकल हमको ये लगता है कि हम बिना दवाई खाए ठीक ही नहीं हो सकते। अरे दवाई खाएं, बिना दवाई खाए सर्दी जुकाम लग गई, बिना दवाई खाए कितने दिन में ठीक होगे? 3 से 4 दिन में। दवाई खाओगे कितने दिन में ठोगे? 7 8 दिन में ठीक होगे। नहीं समझ में आई बात? पकड़ा नहीं ना आपने? दवाई अगर नहीं खाएंगे तो जल्दी ठीक होंगे, दवाई खाएंगे तो 1 2 दिन ज्यादा लगेगा, मगर क्योंकि वो फैशन में है आपको 1 2 दिन ज्यादा चलेगा, मगर दवाई खाना ताकि सभी बोले अच्छा दवाई खा लो दवाई खा लो, सभी यही बोलते हैं, तो सबको संतुष्टि करने के लिए आपको दवाई खाना ऐसा लगता है कि जरूरी है, मगर ठीक तो आपका शरीर करता, दवाई तो नहीं करती, दवाई तो डिले करती है, दवाई तो डिले करती है आपके रिकवरी को। तो पहली बात, उदान शक्ति कैसे बढ़ाएंगे, कौन सी दवाई बनी है इसको बढ़ाने के लिए, अपने को उठाने की शक्ति कैसे बढ़ाएंगे अपने को? हाँ जी, अष्टांग चिकित्सा में, अगर आपने नहीं देखा वेबिनार तो प्लीज दोबारा से देखें वेबिनार को। अष्टांग चिकित्सा में कुंभक ही है जिस जिसके अलग अलग फॉर्मूलेज हैं अष्टांग चिकित्सा, विथ बॉडी मूवमेंट, है ना, विथ द मूवमेंट ऑफ योर हैंड, ऐसा फॉर्मूलेज हैं कुंभक के। अष्टांग चिकित्सा में हम कुंभक अलग अलग फॉर्मूले से कराते हैं, तो अष्टांग चिकित्सा होता है। तो पहली बात, उदान शक्ति बढ़ाने के लिए कोई भी आपके पास में दवाई नहीं है, नहीं, भोजन करेंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, अच्छा भोजन करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो आपने 40 50 साल भोजन किया तो सुपरमैन बन जाने चाहिए थे, सुपर वुमेन बन जाने चाहिए थे, उड़ने लग जाने चाहिए थे, उड़ना लगने तो क्या, वो उठने में भी तकलीफ हो रही है कि नहीं है? अब भी 40 50 साल आपने खाना खाया ना, भोजन किया ना, कमजोर हुए, ये शक्तिशाली हो गए, सुपरमैन बन गए, सुपर वुमेन बन गए, कमजोर ही होते गए। 20 साल 25 साल और खाओ और कमजोर हो जाओगे, और उसके 20 साल खाओ तो पता भी नहीं चले, गायब ही हो जाओगे। इतना भोजन करके आपकी शक्ति कम ही होती जा रही है, ज्यादा बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी एक आइडिया पकड़ के रखते हैं कि नहीं, कुछ अच्छा खाना कर लेंगे तो फिर हम ठीक हो जाएंगे। नहीं होंगे साहब, आज तक हुए नहीं 40 50 साल में, आगे अगर सोच रहे हो तो ये काम नहीं करता ऐसा, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो उदान शक्ति किसी भी भोजन से नहीं बढ़ेगी, दवाई से तो बढ़ेगी नहीं, आयुर्वेदिक दवाई से भी नहीं बढ़ेगी, आयुर्वेदिक दवाई नुकसान कम करेगा, मगर बाहर से कोई चीज लेने से आपकी शक्ति नहीं बढ़ती। आप शक्ति बढ़ाने के लिए हमेशा दिन रात कुंभक ही कर रहे हैं, मगर वो कॉन्शियसली ध्यान से नहीं कर रहे, आप अनजाने में हो रहा है, इस वजह से आपको मालूम नहीं है उसका। अगर कॉन्शियसली करेंगे, आप कुंभक ही करते हैं, कोई भी एफर्ट डालने के लिए, काम करने के लिए आप पीछे सांस रोकते ही हैं, तो इससे आपको, अगर एक फॉर्मूले से करेंगे, उदान शक्ति बढ़ेगी तो इसमें मदद मिल जाएगी, वो पेन कम हो सकता है ना, उदान उठाने में अगर आसानी होगी तो पेन कम होगा। अब दूसरा पार्ट करते हैं,
अब दूसरा पार्ट आता है, पहली बात ये तो पहली प्रायोरिटी पे जरूरी है, क्या करना है अपने बॉडी को सपोर्ट करना, बॉडी को सपोर्ट करना क्या कैसे कर सकते हैं, वो जो शक्ति उसकी कम हो गई उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, एकदम से तो बढ़ेगी नहीं, थोड़ा थोड़े दिन प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, कमर दर्द चला जाएगा, नी का पेन चला जाएगा, कई लोगों में चला जाएगा, कई लोगों में कम होगा, अब और क्या चाहिए, अब और क्या चाहिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म खराब है तो आपका रीजेनरेशन यानी कि वहां पे मसल्स जो है बन नहीं रहे, मसल्स कम हो गए, नर्वस सिस्टम जो है वो ठीक से रीजेनरेट नहीं हो रहा, वो कैसे होगा, कैसे होगा, अब एक एग्जांपल बताता हूं। आप भोजन कर रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं, आपको याद है आपके दादा दादी, याद है दादा दादी, याद है वो कैसा खाना खाते थे, भोजन करते थे, आप कैसा भोजन करते है ना, उनसे तो आप बहुत अच्छा भोजन करते हैं ना, हाँ या ना, साहब बताओ, उनसे बहुत अच्छा भोजन करते हो, और पता नहीं कितने का कितने नट्स खाते हो, सीड्स खाते हो, सारे तरीके के फल खाते हैं, उनको तो नहीं मिलता था ना ये भाई, उनके आसपास में जिस तरीके का कोई कुछ फल है तो जो उग गया सीजन में वही मिलता था उनको। आपको तो आप एक बार ही किसी ऐसे ग्रोसरी के पूरे मार्ट में जाओ, आपको पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, यूएसए के, कनाडा के, अफ्रीका के फल मिलेंगे आपको, जी है ना, उनको तो नहीं मिलता था, आप तो इतना कुछ खा सकते हैं, मगर मगर डेफिशिएंसी आप में है या उनमें थी, विटामिन डेफिशिएंसी जी हम आप में है, आप में है, कुछ तो मिस कर रहे हैं ना, कुछ तो मिस कर रहे हैं, आप कैल्शियम जी खाओगे तो कैल्शियम मिलेगा शरीर को, आपका डॉक्टर क्या कहता है, कैल्शियम की कमी हो गई जी, कैल्शियम खाओ, तो कैल्शियम खाने से बॉडी में कैल्शियम मिल जाएगा। यहां पे नहीं सोचिए आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है उतना ही कैल्शियम शरीर एब्जॉर्ब करेगा, आपकी बॉडी की भोजन को यूज करने की कैपेसिटी कम हो गई है, इसी को कहते हैं मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है, और इसके से कौन कौन सी बीमारी होती है, जी डायबिटीज होती है, थायराइड होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज होता है, जितने भी ये आपके न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम है ये होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बाद में शुरू होता है, पहले का क्या गड़बड़ होती है, मेटाबॉलिज्म खराब होता है, कैंसर उसी से होता है, मेटाबॉलिज्म वीक होने से होता है, क्या ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, जी सब बढ़ रहा है हाँ ना, तो आप सोच रहे हैं नहीं नहीं मेरी डायबिटीज, जी हाँ मैं तो डायबिटीज दवाई खाऊंगा ठीक हो जाएगी, 100 साल में तो किसी एक की भी नहीं हुई, 100 साल में दवाई खाने से किसी एक इंसान की डायबिटीज ठीक हुई है, चेक सोचिए ना किसी एक की ठीक हुआ है, लेकिन कंट्रोल हुई है, लेकिन पूरा ये आपका गलत आरोग्य फहमी नहीं है कि है। कंट्रोल हुई है, ये आपकी गलत फहमी है कि कंट्रोल हुई है, कंट्रोल अगर हो जाती डायबिटीज तो डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं होते उस इंसान को, क्या डायबिटीज वाले बंदे को ब्लड प्रेशर होता है, किडनी डैमेज होता है, न्यूरोपैथी होता है, रेटिनोपैथी होता है, जो दवाई खा रहे हैं मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं, जो मेडिसिन ले रहे हैं क्या उनको होता है, उन्हीं को होता है, मेडिसिन नहीं लोगे तो ये प्रॉब्लम रुक सकती है आपकी, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूं, जिन्होंने मेडिसिन नहीं लिया उनकी प्रॉब्लम चली गई, जिन्होंने मेडिसिन लिया वो ऊपर चले गए, प्रॉब्लम प्रॉब्लम बढ़ गई। बढ़ गई, मैं क्या पूछ रहा हूं, केवल उसका जवाब दीजिए, 100 साल में गोली खाने से डायबिटीज की किसी एक इंसान की डायबिटीज ठीक हुई, किसी की भी ठीक नहीं, आप कहते हैं कंट्रोल होता है, ये तो आपके आपकी गलत फहमी है, कंट्रोल होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती उसकी लाइफ में, तो पहली बात कंट्रोल करना कोई नियम जो बनाया गया वो केवल एक धंधा है, छलावा है, बिजनेस है, आपका पैसा निकालने का काम है, मैं मतलब कोई अगर इतना इंसान चालू इंसान है जो आपकी जेब से पैसा निकाल सकता है कुछ कुछ दिखा के आपको, तो मैं तो उसको इंटेलिजेंट मानता हूं, मगर आपके लिए मैं कहता हूं अपना शरीर खराब करके अपना पैसा भी दो शरीर भी खराब करो, इससे बेवकूफ इंसान तो नहीं हो सकता ना कोई, कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं अपना शरीर खराब करने के लिए,
ये इसी को कहते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप किसी ना किसी के बहकावे में आ रहे हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछो ना, 100 साल में कोई डायबिटिक ठीक नहीं हुआ? डायबिटिक की परेशानी गोली खाने से ठीक नहीं हुई किसी की, बढ़ गई बल्कि। तो आप कर क्या रहे हैं? मेटाबॉलिक डिजीज दुनिया में बढ़ रहा है कम हो रहा है? इतना कंट्रोल कर लिया, इतना बढ़ रहे कंट्रोल कर लिया, बीमारी बढ़ा दी। ये बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? यही बात आप सोचते हैं, अरे मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि सारी बीमारी बढ़ा दी। कौन सी बीमारी कम हो रही है बताइए? डायबिटीज कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? बच्चों बच्चों को हो रहा है ना? तो इतना कंट्रोल कर बढ़ रहे लिया, इतना कंट्रोल कर लिया है कि सारी दुनिया में डायबिटीज फैला दिया। ये कंट्रोल कहते हैं इसको? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दवाई से नहीं जा सकता। आप आंखें खोलिए, नहीं तो अपना शरीर बर्बाद करेंगे, आप और कुछ भी नहीं करेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका शरीर हॉस्पिटल में होगा और वो किसी चीज के लिए रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा होगा, मगर आपने जिन लोगों पे भरोसा किया वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ना डॉक्टर लेगा, ना हॉस्पिटल लेगा, ना सरकार लेगी, ना WHO लेगा, ना वो अमरीका बहादुर लेगा जिसको रोज आप पैसे देते हो, बंदूक बनाता है, वो दूसरों को मारता है, यही काम करता है। आपके पैसे से यही होता है, वो दुनिया पे राज करता, आप पे राज करता, क्योंकि आपने सोचा कि अरे वो तो बहुत एडवांस है। एडवांस है, एक इंसान को ठीक नहीं किया इसे एडवांसमेंट कहते हैं, इसी को साइंस कहते हैं। सभी पूरी दुनिया को बीमार करने को साइंस कहते हैं, कमाल है। तो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ आपके शरीर की शक्ति है। स्ट्रेंथ हमेशा कुंभक से बढ़ती है, तो कुंभक करेंगे तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, जिससे कि आपके मसल्स बनने चालू होंगे। टाइम अलग अलग लग गया, देखो आपने दवाई खा के अपना कितना बर्बाद किया है, डिपेंड्स अपॉन दैट। किसी को 6 महीने, किसी को साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, ऐसा भी हो सकता है, मगर आप ठीक होंगे ये पक्का है, ये पक्का है आप ठीक होंगे, चाहे 3 साल लग जाए। तो ऐसे ऐसे सुरंग में घुसो ना जिसके दूसरी तरफ में लाइट हो। आप तो ऐसे सुरंग में घुस रहे हैं जिसके आगे लाइट ही नहीं है, जिसके आगे आप कहां पे मिलेंगे आखिर? स्वामी जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आखिरकार तो आप हॉस्पिटल में मिलेंगे ना, ऐसे सुरंग में नहीं घुसना। और जरूरत पड़े, देखो मैं ये भी नहीं कर रहा, बहुत जरूरत पड़े तो आप ले लीजिए वो दवाई, क्योंकि आपने भी दवाई कई आदि बनाया ना शरीर को, तो कभी इसको जरूरत है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही तो वो केमिकल लेके थोड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म ना लें, शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, मगर उससे जो नुकसान हो रहा है और जिससे आप ठीक होंगे वो तो करना ही पड़ेगा आपको। जिससे आपका शरीर सुदृढ़ हो, वो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, वो तो करना ही पड़ेगा ना आपको, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। दवाई तो बहुत जरूरत है तो आप थोड़े टाइम के लिए ले लीजिए, मगर जिससे आप इंप्रूव हो, जिससे शरीर अपने आप को ठीक करे, रिजुवनेट करे, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करे, आप भोजन को ज्यादा इस्तेमाल कर सके हैं। जो भी कुंभक करते हैं वो कहते हैं अब मुझे ना फूड जो है ना भोजन का नुकसान नहीं होता, खाते हैं तो हजम हो जाता है, भूख लग रही है, खुल के भूख आती है, ये सब बातें बोलते हैं। तो ये जब करेंगे तो मसल रिजनरेट होगा, मसल बनेगा, तो फिर क्या होगा, वो जो अगर वहां पे कमी है तो धीरे धीरे करके वो पूरी होगी। तीसरी बात, अलाइनमेंट, बॉडी का अलाइनमेंट हमेशा सही रखना चाहिए। बॉडी के 3 अलाइनमेंट होते हैं, नाभि, कौड़ी, नले। नाभि का अलाइनमेंट, मिडल ऑफ चेस्ट, कौड़ी का अलाइनमेंट और स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट, जो इनर थाई है उससे स्केलेटल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट होता। तो ये नाभि, कौड़ी, नले तीनों का अलाइनमेंट करेंगे तो पता चलेगा, अगर किसी डिसअलाइनमेंट की, रीढ़ की हड्डी में अलाइनमेंट नहीं है सपोज करो, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है कमर पे, तो अलाइनमेंट करने से स्ट्रेस कमर पे कम हो जाएगा, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ये 3 तरीके बताए मैंने आपको, और भी बता सकता हूं मैं आपको, है ना? अगर ऐसा है, एक टिप भी देता हूं, वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, टोटका, टोटका तो नहीं फिर भी काम करता है, एक टिप दे देता हूं मैं आपको, थोड़ा अपने शरीर को ना स्लांट लिटाएं, पांव ऊपर सिर नीचे, पांव ऊपर सिर नीचे, ऐसे स्लांट, सिर यहां पे, पांव ऊपर, पांव के नीचे 3 तकिया, कमर के नीचे 2 तकिया, सिर नीचे,
ऐसे आधा घंटा लेटेंगे, कमर का दर्द, घुटने के दर्द में आपको आराम मिल जाएगा। मगर ये इलाज नहीं है, ये रिलीफ है, ये रिलीफ है, आपको रिलीफ मिल जाएगा। हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ यार, बताइए मेरे बताइए। को एक्चुअली ये प्रॉब्लम है फाइब्रोमायल्जिया की, बोला है। अब पता नहीं, मतलब मैं खेल सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर बैठने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब आई कैन रन, आई कैन वॉक, उससे स्ट्रेस बहुत आता है और डिप्रेशन आता है। प्रॉब्लम ये है, तो इसका कुछ सोल्यूशन है फाइब्रोमायल्जिया का? देखो, फाइब्रोमायल्जिया होता क्या है, आपको फाइब्रोमायल्जिया होता क्या है वो समझना पड़ेगा। अगर फाइब्रोमायल्जिया समझ जाएंगे तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। आपको बैठने में तकलीफ नहीं होती, अपने बॉडी को बेंड करने में, मोड़ने में, इकट्ठा करने में तकलीफ होती है। तो ये बैठने में भी आएगा, ये अगर पांव को ऐसे मोड़ना चाहेंगे, ये झुकना चाहेंगे, तब भी ये प्रॉब्लम आएगी। किसी भी तरीके से अपने को समेटना चाहेंगे, सिकोड़ना चाहेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम कहां पे है? जॉइंट्स जो है ना, जैसे ही आपस में ज्यादा मुड़ते हैं, एक लिमिट से ज्यादा मुड़ते हैं, तो उनको तकलीफ आ जाती है। तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो मसल्स है ना, वो मसल्स है ना, वो हार्ड हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, मसल्स जो है ना, वो थोड़े स्टिफ हो रहे हैं, फाइब्रोमायल्जिया, ठीक है ना। मसल फाइबर का स्टिफ होना, ये फाइब्रोमायल्जिया होता है। इसके दो सिंपल, देखो तीन है, तीन है इसके सॉल्यूशन। दो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, एक मैं बता चुका हूं। दो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं इसका क्या सॉल्यूशन है। पहली बात, आप एक एक्सपेरिमेंट करो, एक पेड़ से एक टहनी तोड़ लीजिए और उसको मोड़ के देखिए, और उसको फिर धूप में छोड़ दीजिए हफ्ता भर, 10 दिन। उसके बाद उसको मोड़िए, हार्ड हो जाएगा, टूट जाएगा, पहले नहीं टूटेगा। क्यों टूट जाता है? क्योंकि उसमें पानी निकल गया। तो बॉडी की पानी को रोकने की क्षमता अगर कम हो जाएगी तो फाइब्रोमायल्जिया होगा ही होगा। पर ये हो क्यों रहा है? बॉडी की पानी को रोकने की क्षमता कम क्यों हो रही है? क्योंकि जब भी आप कोई दवाई खाते हैं, शरीर उस दवाई को 98% दवाई निकाल देता है। या आप फूड लेते हैं कोई, जिसमें किसी ना किसी तरीके का सिंथेटिक केमिकल या कलर है ना। आपका फूड क्या है? हाइब्रिड, प्रोसेस, इनऑर्गेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो प्रोसेस फूड, पैकेट का कोई भी चीज खाते हैं या ड्रिंक लेते हैं, तो उसमें हमेशा कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव, केमिकल, फूड कलर, सिंथेटिक कलर, इस तरीके की चीजें, सिंथेटिक स्मेल है ना, फ्लेवर, इस तरीके की चीजें होती हैं। ये बॉडी जानता ही मेरा फूड नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपका शरीर इंटेलिजेंट होता है और ये अपने फूड को पहचानता है कि ये मेरा फूड है कि नहीं। जंगल के जानवरों को कौन बताता है कि उनको क्या खाना है, नहीं खाना है? उनके लिए कौन से डॉक्टर बैठे हैं, डाइटिशियन बैठे हैं, या कौन सा स्कूल है, कॉलेज है, आप बताइए जरा। उसके लिए तो कोई भी नहीं है, मगर उनके बॉडी को मालूम है कि क्या खाना है उनको, इसीलिए वो समझदार हैं। जो स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, वो लोग तो समझदार नहीं है, है कि नहीं? आप पूछते हो ना मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, यानी आपकी समझदारी स्कूल कॉलेज में ही रह गई जब आप गए। तो आपको समझदार बनना पड़ेगा, अपनी बॉडी की सेंसिटिविटी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको पहले तो ठीक करना पड़ेगा। तो आपका शरीर जानता है कि व्हाट इज इट्स फूड, उसका भोजन क्या है। जब भी आप भोजन के अलावा कुछ भी डालते हैं, तो उसको निकालने की कोशिश करता है। निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, उसको पानी में डिजोल्व करके बाहर फेंक दीजिए। तो आपके बॉडी का एक्सेसिव यूज हो रहा है पानी, किस चीज में? टॉक्सिन्स को निकालने में, खराब चीज को निकालने में। दूसरा, आपका स्ट्रेंथ अगर कम है, तो आपका शरीर भोजन को इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएगा, तो मेटाबोलाइट्स जो बनेंगे वो भी टॉक्सिक होंगे, वो भी शरीर में जाएगा, उसको भी शरीर निकालेगा। तो यानी बॉडी का मेजर वर्क कहां पे चला गया? अपने को सफाई करने में। तो वो पानी का इस्तेमाल वहां कर लेता है, आपके मेन जो काम होते हैं शरीर के, उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा या उसको नहीं मिल पा रहा। तो वाटर की यूटिलाइजिंग कैपेसिटी ह्यूमन बॉडी की कम हो गई, बिकॉज व्हाट वी आर पुटिंग इन आवर बॉडी इज ऑल रॉन्ग। ये बात समझ जाइए। तो पहली बात तो आपको इनपुट थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक और बात बताता हूं, आप ज्यादा पानी पी के अपने बॉडी में पानी को बरकरार नहीं रख सकते, रोक नहीं सकते।
क्योंकि आपका शरीर ज्यादा पानी पियेंगे तो जितना जरूरी होता उतना ही लेता, बाकी निकाल देता। बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा करके पीने की कोशिश करें तो ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगा, आपका हाइपोथैलेमिक इन्फ्लेमेशन और पिट्यूटरी डिस्फंक्शन हो जाएगा, तो भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक बात तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्या कि फिरंगी जो बोले वो बात नहीं माननी, ये बात आप बैठा लो, फिरंगी जो बोले वो बात नहीं माननी। आपको अगर अच्छा भोजन देखना है तो पूर्वजों को देखो, ठीक है। मॉडर्न मॉडर्न शेफ जो बोले, डाइटिशियन जो बोले, वो बात नहीं माननी। एक्चुअली मैं ये भी बोल सकता हूं कि डॉक्टर जो बोले वो तो 100% नहीं मानना, मगर क्या है फिर कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, ठीक है। मगर तो किसकी बात माननी है? आपके शरीर की बात माननी है। आपका शरीर सर, आपको इंडिकेट कर, मैं तो बहुत सात्विक भोजन खाता हूँ। ज्वार की रोटी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, ये खाता हूँ। हाँ, अभी आ रहे हैं ना उसके ऊपर। पहला पार्ट मैंने बताया कि पानी नहीं रोक पा रहा शरीर, तो आप इसको कुछ भी देंगे जब तक उस पानी रोकने की क्षमता को आप नहीं बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज काम नहीं करेगी, ठीक है ना। आप सात्विक भी खाएंगे तो भी काम नहीं करेगा, तामसिक खाएंगे तो वैसे ही काम नहीं करेगा। देखो पहले तमस वमस के ये आइडिया जो है ना, ये बहुत डिविएटेड है, ये इसको बिल्कुल ही सात्विक पे मत जाए। जो मैं बता रहा हूं उस बात को दोबारा से सुने, किसकी बात माननी सर, है? किसकी बात माननी है? अपने शरीर की बात माननी है। मैंने ये नहीं कहा कि जो बाहर आपको सात्विक भोजन करने के लिए प्रेरित कर रहा है उसकी बात माननी है, नहीं, किसकी बात माननी है? आपके शरीर की बात माननी है। अगर आपका शरीर कहता मुझे तो बहुत मिर्च खाने की इच्छा हो रही है, तो वो आपकी दवाई है, आपको खाना चाहिए, लेकिन शायद वो गाइड जो इसकी बातें आप मान रहे हैं वो कहेगा नहीं, मिर्च तो नहीं करना चाहिए, मिर्च मसाले कम कर दो। तो ये बॉडी बॉडी पे डिपेंड होता है, कई लोगों का शरीर ज्यादा मसाला एक्सेप्ट करता ही नहीं है तो उसको नहीं खाना चाहिए। जिसका बॉडी ये कहे कि मुझे तो बहुत तीखी चीज चाहिए, मुझे तो चाट पापड़ी खाने की इच्छा हो रही है, उसको खाना चाहिए क्योंकि वो उसका मेडिसिन है। आपको अगर अपने शरीर को ठीक रखेंगे ना, तो आपको मौसमी फल की क्रेविंग होगी, अमरूद का मौसम आएगा लगेगा अमरूद खाओ, तो वो आपकी बॉडी की क्रेविंग जो है ना, किस चीज को वो डिमांड कर रहा है वही आपकी दवाई है। तो आइडिया में ना जिए, दोबारा से बोल रहा हूं, आइडिया में ना जिए, अपने शरीर की तरफ में सेंसिटिव हो जाए। अच्छा, पानी की रोकने की क्षमता कम हो गई तो कैसे इसको बढ़ा सकते हैं? इसको रोकना पड़ेगा ना, कुंभक रोकने का ही तो प्रक्रम है, कुंभक रोकना ही तो सिखा रहे हैं हम, किसी चीज को कैसे ठीक से धारण करें, तो वो रोकने का तरीका कुंभक है। दूसरा, पानी पीने से पानी नहीं आता, आपके भोजन में पानी तत्व, पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, पानी हमेशा आपका शरीर मैक्सिमम एनवायरमेंट से सोख करता है, तो हमने अपने ताल तालाब सरोवर सारे सुखा दिए, जमीन के नीचे वाटर टेबल डाउन चला गया। इस वक्त में शरीर पानी अगर नहीं रोक पा रहा तो ये हमने ही कहीं ना कहीं किया हुआ है। कोशिश करें जब मौका लगे तो बड़े पानी के सोर्स के पास में जाएं, थोड़ा समय बिताएं, कहीं पर भी, कोई तालाब है, कोई सरोवर है, कोई नदी है, तो उसके पास में जाके, सोर्स के पास में जाके थोड़ा समय बिताएं, और मौसम अच्छा है तो थोड़ा समय पानी के अंदर अपने आप को रखेंगे। ये वो चाहे एक बाथ टब हो सकता है ना, जब ज्यादा ठंड है अगर तो उस समय ऐसा जरूरी नहीं है, मगर अगर कहीं मौसम अच्छा हो तो जरूर करना चाहिए। आपके भोजन में पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आपके पूर्वजों ने किस तरीके का भोजन बनाया? खिचड़ी, दलिया, रसम, सांबर, तरी वाले दाल, तो दाल पतली खूब पानी वाली, हॉस्टल वाली खाएं, गाढ़ी दाल, पंजाबी दाल ना खाएं, ठीक है। पानी की मात्रा आपके भोजन में ज्यादा होनी चाहिए, भोजन में ज्यादा होनी चाहिए। वो जो पहले खराब भोजन कहते थे ना, वो आपके लिए अब अच्छा भोजन है ना। खूब सारे पानी में दो चार दाल के पीस हों तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो आपकी खूब सारी तरी वाली चीजें हो तो बहुत अच्छा है। खिचड़ी बनाए तो पतली खिचड़ी बनाए, दलिया बनाए तो खूब सारा पानी उसमें होना चाहिए। तो गरिष्ठ भोजन जो है ना, वो आपके शरीर में पानी डिमांड करता है, कभी कभी वो किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट। जैसे बाजरे की रोटी जब आप खाएंगे तो आपका शरीर खूब पानी डिमांड करेगा,
वो भी तब जब खूब लाल मिर्च के साथ खाओगे और घी के साथ खाओगे, या ऐसा ही होता ना राजस्थानी भोजन, खूब लाल मिर्च खाते हैं क्योंकि बॉडी पानी डिमांड करता, फिर आपको सप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको यूटिलाइज करेगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कई बार कर सकते हैं आप। और जैसे साउथ इंडिया में जहां पानी एनवायरमेंट तो में तो काफी है, मगर भोजन में चाहिए तो रसम बनाते हैं। रसम क्या है? मैक्सिमम पानी है। फलों में 90% पानी होता है, इसलिए फल आपके पानी की डिमांड को सबसे ज्यादा रिप्लेनिश करता है, सबसे ज्यादा रिप्लेनिश करता है। तो इसीलिए बताया, भोजन देखना है तो अपने पूर्वजों को देखें। मॉडर्न शेफ को देखोगे तो बीमार हो जाओगे। दूसरी बात, अब आ गई एक बात, पानी की मात्रा शरीर में बढ़ेगी तो फाइब्रोमाइल्जिया या मसल या इस तरीके के ड्राई होना, हड्डियों का ब्रिटल होना है ना, ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि अब्जॉर्प्शन भी पानी में ही हो करता है आपका शरीर, तो ये सारी चीजें निकल सकती हैं। कैंसर का एक मेजर रीजन है आपके शरीर में वाटर एलिमेंट का खराब हो जाना। हार्ट डिजीज जल तत्व पे डिपेंडेंट होता है। सभी को हार्ट डिजीज होगा ही होगा क्योंकि पानी की मात्रा कम हो रही है। हार्ट और वाटर, ये दोनों आपस में अगर जल तत्व को ही सुगठित कर दें, संगठित कर दें, तो हार्ट बन जाएगा। आपके शरीर में जो हार्ट है ना, मछली की तरह है। ये नॉलेज जो है ना, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम जिसको भी है ना, उसको सुबह सुबह बहुत प्रॉब्लम आती है। हार्ट अटैक मैक्सिमम सुबह होते हैं और उस समय आपका मुंह सूखता है, कई लोगों का मुंह सूखता है सुबह उठ के। अगर मुंह सूखेगा, हार्ट पे लोड सबसे ज्यादा आएगा, जब भी डिहाइड्रेशन होगी, लूज मोशन हो जाएंगे आपको, आप अपने हार्ट बीट को सुन सकते हो, वो जोर आ जाता है उसके ऊपर, लोड आ जाता है। ये सब चीजें अपने जीवन में देखिए और आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहां पे है। तो पहला पार्ट, जल तत्व अगर ठीक कर देंगे, कुंभक करने से होल्ड करने में मदद मिलती है जल तत्व को, तो उससे फाइब्रोमाइल्जिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दवाई से ये ठीक होता ही नहीं है, फाइब्रोमाइल्जिया किसी भी मेडिसिन से ये ठीक नहीं होता, मेडिसिन से की वजह से हुआ है, पहली बात है गुड ना। इवनिंग डॉक्टर। दूसरी बात, दूसरी बात, पहली बात बताया किसी तरीके से आपके शरीर में पानी रुकना चाहिए। दूसरी बात, जब भी शरीर में ठंडक होगी तो शरीर अकड़ेगा। तो एक जवान इंसान को छू के देखो और एक बूढ़े इंसान को छू के देखो, क्या फर्क दिखाई देगा? एक जवान इंसान का शरीर गर्म होता है, एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता है। उम्र के साथ क्या खो गया? मेटाबॉलिक हीट, जठर अग्नि, शरीर की अग्नि, हीट पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। तो जॉइंट्स जो है ना, स्टिफ होंगे। आयुर्वेदिक टर्म्स में बताता हूं, जो भी प्रकृति, वात कफ की प्रकृति है जिनकी भी, उनके जॉइंट्स में स्टिफनेस होता ही है। उनको अंदर से गर्मी दे दो, शरीर गर्म कर दो, तो वो स्टिफनेस एकदम से चला जाएगा। आप कुंभक करते ही, कुंभक शुरू करेंगे प्रैक्टिस, तो सबसे पहली चीज क्या दिखाई देगी, आप क्या समझ में आएगी कि बॉडी को बेंड करने में, सिकोड़ने में, मोड़ने में पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी हो गई। इमीडिएटली दिखाई देगा, इमीडिएटली दिखाई देगा, क्योंकि कुंभक करने से शरीर के अंदर से गर्मी, ये जो आपकी गृहपत्य अग्नि कहते हैं इसको, ये बढ़ेगी, तो आपके जो ज्वाइंट जिसमें स्टिफनेस या मसल में स्टिफनेस आ गया, वो एकदम से लूज होगा, एकदम से लूज होगा, पहले दिन करके देख सकते हैं। तो ये दो चीज डायरेक्टली बताया, इनडायरेक्टली मेटाबॉलिक हीट, आपको मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना ही पड़ेगा, वो मैंने पहले बता दिया कि वो तो होता ही है कुंभक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी जी आई हैव वन क्वेश्चन। एक एक आई हैव वन क्वेश्चन करके। स्वामी जी, स्वामी जी एक्चुअली आई क्वेश्चन है वांट, मेरा स्वामी जी पार्किंसन के मैं, ऊपर। हाँ अच्छा, कैन वी हैव पार्किंसन, वन क्वेश्चन एट अ टाइम प्लीज। हाँ मैं पार्किंसन पर मेरा क्वेश्चन है सर। तो बहुत देर से विजयेंद्रन हाथ स्वामी जी, उठाया हूँ। पार्किंसन, पार्किंसन के ऊपर हाँ हमेशा मैं बताता रहता हूं। इसके तो सर छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ, जो ये आपका जो चिकित्सा का प्रोग्राम है, इससे पार्किंसन खत्म हो सकता है या कंट्रोल हो सकता है? पार्किंसन देखो खत्म होने में, खत्म हो सकता है, मैं बता रहा हूं खत्म हो सकता है, खत्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर कंट्रोल तो कुछ ही महीनों में आप देख सकते हैं, 3 से 6 महीने में ये कंट्रोल आ जाएगा। खत्म होने में से 2 से 3 साल भी लग सकते हैं,
मगर एक साल के अंदर आप कंसिडरेबल चेंज देख लेंगे जिसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पार्किंसन ऊर्ध्वगत वायु होता है, आपके बॉडी में फ्लो फैक्टर जो है रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। जिस भी इंसान का डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ ठीक नहीं होता, ऐसा भी देख सकते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, आईबीएस है, या उनका मतलब हाजमा ठीक नहीं है, उनको एसिड रिफ्लक्स होता रहता है, ऐसे लोगों में बाद में चल के लंबे टाइम के बाद में पार्किंसन आ जाता है। आपके बॉडी के फ्लो फैक्टर्स अगर अंदर से हम प्रेशर क्रिएट करके एक फॉर्मूला से अगर कोई भी फ्लो, ब्लड का फ्लो, लिम्फ का फ्लो, फूड का फ्लो और भी हॉर्मोन्स का फ्लो अगर हम ठीक कर देंगे तो पार्किंसन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इससे ये पार्किंसन बिल्कुल ठीक हो सकता है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, उम्र के साथ साथ भी कितना ठीक हुआ कितना नहीं ठीक हुआ ये देखने में आएगा। तो बहुत ज्यादा उम्र हो गई है तो उनको बहुत आराम मिल जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मगर उनको थोड़ा तो प्रॉब्लम रहेगा जो कि ना के बराबर होगा। यंगस्टर्स में तो ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगर आप 50 से कम के हैं तो ये बिल्कुल ही 100% ठीक हो जाएगा। 50 से ज्यादा पे आ गए, ज्यादा उम्र हो गई, हालांकि 50 भी इतनी उम्र होती नहीं है, मगर जैसे ज्यादा उम्र हो गई, 60-70 का है कोई इंसान, तो क्या होगा, वो जो जितनी प्रॉब्लम हो रही है ना वो बहुत कम हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आगे का रिस्क खत्म हो जाएगा। लिवोडोपा ट्रीटमेंट इसका कोई सही इलाज नहीं है, ये भी बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बात को स्वामी जी, स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन है सर, वीना जी मेरा वन एक क्वेश्चन है कि मुझे ना बहुत ज्यादा अस्थमा छींकें आती हैं और मुझे एंटी एलर्जी गोली खानी पड़ती है, क्या मैं ये कर सकती हूँ कुंभक? आप अपना नंबर छोड़िए, जिनको मल्टीपल इश्यूज हैं आप अपना नंबर छोड़िए, आपसे कोई ना कोई टच में आएगा, कॉल करके आपसे सारी प्रॉब्लम पता करेगा डिटेल में, फिर मुझे मेरे पास में वो चीजें भेजी जाएंगी, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं तो आपको सही प्रोग्राम जो आपके लिए होगा उसकी तरफ में डायरेक्ट करेंगे, जो सबसे सूटेबल होगा वो करवाएंगे। ठीक, तो मैं नंबर कहाँ भेजू? नंबर ये नीचे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, व्हाट्सएप में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए। ठीक ठीक, स्वामी जी रिमोटायर्ड 10 साल, रिमोटायर्ड रिमोटायर्ड उसके बाद सर्जरी भी करा लिया, सर्जरी 3 साल तक ठीक था अचानक, और लेकिन रिमोटायर्ड का डॉक्टर ने कहा कि लगातार खाते रहिए, जैसे ही 3 महीने पहले थोड़ा हर्पिस हुआ, अब नर्व्स के बाद किसी तरह से फिजियोथेरापी से चलने लगा, लेकिन इन्फ्लेशन ज्वाइंट पेन बढ़ते चला जा रहा, कम नहीं हो रहा, लेकिन तो आपको उसको हाँ आपको उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए फिजियोथेरेपी आपको थोड़ा आराम दे देगा, आप जो दवाई खा रहे हैं ना, रूमेटाइड क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, पहली बात तो देखिए ऑटो इम्यूनिटी आपकी होती क्या है, आपके शरीर की इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं, फिर देखते हैं आप कर क्या रहे हैं ट्रीटमेंट, क्या वो ट्रीटमेंट सही है, अगर कुछ और करना चाहें तो क्या करना चाहिए। 3 स्टेप में आपको आंसर दे रहा हूँ रूमेटाइड के सभी के लिए। और हम ना ये काम आराम से कर सकते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, रचना जी। हाँ बोलिए। हाँ तो ये ना ऐसे जब भी ये आंसर्स है ना, इनको थोड़ा अनिल जी को भी बोल रहा हूँ कि ये ना प्री ग्रूमिंग में डाल दें, जैसे कि पार्किंसन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो पार्किंसन का कट करके आंसर ना अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही पहले डाल देंगे ना, तो यहाँ पे इतना देर इनको वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर क्या है कि वो डिसीजन भी ले सकते हैं। ऐसे रूमेटाइड का हो गया, रूमेटाइड क्या होता है, इम्यूनिटी को समझ लेते हैं पहले, इम्यूनिटी आपको बचाने के लिए होता है, ये सबको मालूम है ना, इम्यून सिस्टम आपको बचाता है, लेकिन इसको बेसिक से शुरू करते हैं। आप शरीर में 2 तरीके से चीजें लेते हैं, मुंह से लेते हैं, नाक से लेते हैं, शरीर में 2 तरीके से आप चीजें लेते हैं, मुंह से सॉलिड लेते हैं, नाक से हवा लेते हैं। अगर आपके शरीर में जो आपका भोजन है केवल वही तो नहीं जाएगा, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जाएंगी जो आपके शरीर इस्तेमाल नहीं करता, जैसे आप अनाज भी खाते हैं तो अनाज का कितना हिस्सा आपका शरीर इस्तेमाल करता, 20 से 30% इस्तेमाल करता, बाकी तो बाहर ही फेंक देता है, वो अनवांटेड चीजें। सांस भी लेते हैं उसमें हवा जाती है, हवा में तो सभी चीजें आपके लिए उपयोगी नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो क्या करेंगे, शरीर में ऐसी चीजें ले रहे हैं जो आपके शरीर के लिए सूटेबल नहीं है, उपयोगी नहीं है। अगर कोई ज्यादा खतरा होता है तो आपका इम्यून सिस्टम, या इम्यून सिस्टम कई तरीके से काम करता है,
एक तरीका है, आपके शरीर में एक हिस्टामिन बनता है, एक हिस्टामिन जैसा एक प्रोडक्ट है जो कि बाकी अनवांटेड चीज को नलीफाई कर देता है। जैसे कोई बैक्टीरिया जाएगा तो उसको नलीफाई कर देगा, उसको ऐसा बना देगा जैसे कि आपके शरीर पर असर ना डाले। या फिर कोई अगर टॉक्सिन होगा, जैसे पराग हो गया, फूलों का पराग हो गया, वो सांस से आपके शरीर में जा रहा है तो आपके लंग्स में हिस्टामिन रिलीज होके पराग को नलीफाई कर देगा। कोई भी अनवांटेड चीज जो आपके लिए जरूरी नहीं है, वो जब भी आपके शरीर में जाएगा तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, अलग अलग लेवल पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब जरा देखें आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, क्या आपका शरीर केमिकल्स के लिए डिजाइन हुआ था? डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे क्या? तो नहीं आपका शरीर तो केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ था, नहीं तो आपके जितनी ये दवाइयां हैं, पैरासिटामोल, पेन किलर, स्टीरॉयड, ये सब पेड़ पे लटके होते ना, आप तोड़ तोड़ के खा लेते। तो आपका शरीर तो केमिकल के लिए डिजाइन नहीं हुआ था। लेकिन इसमें बचपन से 2 किलो का बच्चा पैदा हो जो होता है, उसको इम्यूनाइजेशन के नाम पे, वैक्सीनेशन के नाम पे कितने केमिकल्स डाले जाते हैं। तो आपका शरीर अगर केमिकल के लिए डिजाइन नहीं होता, उसमें केमिकल डालेंगे तो क्या चीज एक्टिव होगी आपकी? मेटाबॉलिज्म और इम्यून सिस्टम, भोजन पचाने का प्रक्रम या उपाय चालू होगा आपके शरीर में, या इम्यून सिस्टम जो गलत चीज है उसको निकालने का उपाय चालू होगा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये दोनों उल्टा काम करते हैं। इम्यूनिटी एक्टिव होगी तो मेटाबॉलिज्म नीचे जाएगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा तो इम्यूनिटी नीचे जाएगी। ये ऐसे बैलेंस, होमियोस्टेसिस होता है, एक बैलेंस होता है दोनों का। तो आप अनजानी चीज है, भोजन ऐसा कर रहे हैं जो आपका भोजन ही नहीं है, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो आपका मेटाबॉलिज्म ऊपर जाएगा, इम्यूनिटी ऊपर जाएगी, इम्यूनिटी ऊपर जाएगी। दवाई खाएंगे, इम्यूनिटी ऊपर जाएगी, भोजन खाएंगे, इम्यूनिटी ऊपर जाएगी, वातावरण को प्रदूषित कर दिया, हवा लेंगे, सांस लेंगे, इम्यूनिटी ऊपर जाएगी। इम्यूनिटी बार बार ऊपर जा रही है, इम्यूनिटी बार बार ऊपर जा रही है, आप कुछ भी कर रहे हैं इम्यूनिटी जा रही है। इतना ही नहीं है, आपको अगर मेंटली और इमोशनली लगे आप खतरे में आ गए तो भी इम्यूनिटी ऊपर जाएगी। स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, लोडेड है, लोड आता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, इम्यूनिटी ऊपर जाएगी। स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, इम्यूनिटी ऊपर जाएगी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ के करेंगे क्या? बेरोजगारी क्रिएट करने का तरीका है एजुकेशन। 100 साल पहले कोई बेरोजगारी नहीं थी, पढ़े लिखे लोगों में ही बेरोजगारी होती है। 200 साल, 1000 साल पहले कोई बेरोजगारी नहीं थी। बच्चों को समझ में आता है कि ये तो बेकार चीज है, इसका तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा, कनेक्शन ही नहीं समझ में आ रहा, तो इम्यूनिटी ऊपर जाती है। जॉब करने जाते हैं, इम्यूनिटी ऊपर जाती है, रिस्क है, कोरोना आ गया, इम्यूनिटी ऊपर जाती है, बार 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 जाती है। मेटाबॉलिज्म तो ऊपर उठ ही नहीं पा रहा, उठता है फिर नीचे गिर जाता, उठता है नीचे। सारे मेटाबॉलिक डिजीज बता दिए मैंने, दुनिया में मेटाबॉलिक डिजीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप खतरा इतना पैदा कर रहे हैं, और इसी को एडवांसमेंट कहते हैं, इसी को साइंस कहते हैं, अंदर शरीर में खतरा पैदा करने को, और इसी को ट्रीटमेंट कहते हैं। जबकि एक को भी ट्रीट नहीं किया गया। आपको लगता है कि अरे कोई नंबर दिखा के आपको बोल दिया, देखो आप तो ठीक हो गए, 2 साल 3 साल के बाद में फिर क्रैश हो जाओगे, 2 साल 3 साल के बाद में फिर क्रैश हो गए, और उसके बाद में क्रैश खराब होगा पहले के मुकाबले, क्योंकि पहले तो शरीर में जान थी अपने आप को ठीक करने की, आप उसे बार बार गिराते जा रहे। इम्यूनिटी जो आप खा रहे हैं स्टीरॉयड, स्टीरॉयड खाने से होगा क्या? आपकी इम्यूनिटी को आप नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार ऊपर जा रहा है, तो हमें लग रहा है चलो स्टीरॉयड खा लो, अब इसको नीचे करके रखो। पर इम्यूनिटी ही तो आपको ठीक करता है आपका शरीर का, तो शरीर में रिकवरी का स्ट्रेंथ ही आप खत्म कर रहे हो। आप तो वनरेबल हो गए, किसी एक छोटी सी बीमारी से अब स्वाहा हो सकता है। अगर आप इम्यूनिटी को क्रैश करते जाओगे तो आपको बचाएगा कौन? क्योंकि अभी तक तो ये डॉक्टर्स किसी को बचा नहीं सके, आपको लगता है ऐसा कि बचाया इन्होंने, एंटीबायोटिक के अलावा कोई इलाज है ही नहीं। 20% बीमारियों को ही ठीक किया जा सकता है, 80% क्रॉनिक डिजीज को तो ठीक ही नहीं किया जा सकता। तो कहने की बात यह है कि इम्यूनिटी आप नीचे कर करके क्या ये सही तरीका है इसको हैंडल करने का, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को? नहीं, ये तो इंसान को क्रैश करने का तरीका, मगर क्या करें, अब तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं है ना, क्योंकि हमने काम ही नहीं किया हेल्थ के ऊपर।
100 साल में हमने रिसर्च ही नहीं किया ढंग से, हमने ऑल्टरनेट पे रिसर्च ही नहीं किया, केवल केमिकल्स पे रिसर्च किया। ऑल्टरनेट पे अगर हम रिसर्च करते तो ये चीजें तो बड़ी आसानी से ठीक हो सकती। ऑटोमेटिक डिजॉर्ड तो बहुत आसानी से ठीक हो सकता है साहब, क्योंकि ये तो आपका शरीर डिजाइन ही नहीं हुआ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लिए, ये तो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए, अपने को बचाने के लिए इम्यूनिटी। मगर क्योंकि हमने इसको क्रैश कर दिया तो अब उपाय क्या, स्टीरॉयड डाल के इसको क्रैश कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म तो गिरा हुआ है, इम्यूनिटी भी गिर जाएगी तो इंसान कहां जाएगा, उसका शरीर तो खत्म है। तो उपाय नहीं होने के कारण ये इलाज चल रहा है। एक कहते हैं ना भाई, हमारे को तो और कुछ पता ही नहीं है, यही पता है तो यही इलाज करो, चाहे वो कितना ही खतरनाक हो, पर करें क्या, वही इलाज कर रहे हैं। अब दूसरा पार्ट समझना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म को या इम्यून स्ट्रेंथ को क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं इस तरीके से कि ये दोनों बैलेंस में आए। हां जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इम्यून को क्रैश करने का तो तरीका हमारे पास में है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का कोई उपाय है ही नहीं। तो मेटाबॉलिज्म को अगर आप बढ़ा दें शरीर में, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको, रिकवरी कौन देगा, आपका शरीर देगा और कोई नहीं दे सकता। नोबडी कैन क्योर यू, दे माइट गिव यू सम काइंड ऑफ अ सोलेसी, यू हैव बिकम फाइन, आफ्टर सम टाइम यू आर अगेन क्रैश। दे विल डू कीमोथेरेपी, देखो अभी तो कैंसर सेल कम हो गए हैं, एकदम से एक साल दो साल में रिलैप्स होगा, वो और खतरनाक होगा, बोलेंगे चौथा स्टेज पे आ गया। क्यों आया, क्योंकि आपने उसका कीमोथेरेपी कराया, नहीं कराते तो काफी ज्यादा फिर भी जी लेते। तो इसके ऊपर अभी बहुत रिसर्च करने की जरूरत है, क्या हम लोगों को मार रहे हैं ट्रीटमेंट के नाम पे। अमेरिका में तो ये बहुत वेट चल रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के नाम पे तो मारा जा रहा है। तो हमें अल्टरनेट में खूब रिसर्च करने की जरूरत है। दो तीन तरीके से शरीर का इलाज होता है, ध्यान से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, समझना चाहिए। तीन तरीके से इलाज होता है शरीर का, एक कोई दवाई लेके, दवाई जितना नेचुरल हो उतना अच्छा, दोबारा से कह रहा हूं, दवाई जितना नेचुरल हो उतना अच्छा, लेकिन दवाई वीक होता है हमेशा। बाहर से कुछ लेके शरीर का ट्रीटमेंट जो करते हैं उसमें टाइम लगता है, बहुत वीक ट्रीटमेंट है, ठीक है। दूसरा उपाय क्या होता है, आप शरीर का टेम्परेचर ग्रेडियंट ठीक करके इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी में प्रॉब्लम आती है आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसा होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर अगर आप रेगुलेट कर सकें तो बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तीसरा, इसका कोई उपाय है नहीं, तीसरा बॉडी का प्रेशर इकोसिस्टम अगर हम ठीक करते हैं तो उपाय कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसको प्रेशर इकोसिस्टम को वात कहते हैं, टेम्परेचर इकोसिस्टम को पित्त कहते हैं, और जो कफ है, सॉलिड जो चीज है उसको कफ कहते हैं। सॉलिड से उपाय वीक होता है, टेम्परेचर से उपाय सॉलिड से ज्यादा अच्छा होता है, और प्रेशर से उपाय टेम्परेचर और सॉलिड दोनों से बहुत ज्यादा होता अच्छा होता है। हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर से उपाय कर रहे हैं। कुंभक प्रेशर से अपने शरीर को ठीक करने का तरीका है, प्रेशर से ही टेम्परेचर भी रेगुलेट हो जाता है और कफ भी रेगुलेट, फूड भी रेगुलेट होता है या सॉलिड भी रेगुलेट होता है। तो अगर आप नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुंभक को जोड़ते हैं तो मैजिक हो जाता है। कुंभक अपने आप में सक्षम है आपको ठीक करने का, मगर बहुत प्रॉब्लम है तो क्या करें कि नेचुरल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, कुंभक दोनों को जोड़िए। नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन का टेन्योर कुछ समय का रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। कुंभक आप अपने लाइफ के लिए एज अ लाइफस्टाइल पकड़ लो, मैजिक होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये करने से ही आपको पता चलेगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के सिम्टम अगर आपके खत्म हो जाते हैं तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर खत्म हो जाता है। ये ठीक हो सकता है, 100% ठीक हो सकता है, मगर कोई दवाई नहीं कर सकती इसको ठीक, इसको आपका शरीर ठीक कर सकता है। उसका रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ा दे कुंभक से, और साथ में कुछ सपोर्टिव अगर नेचुरल मेडिसिन लें तो धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि यू विल बी एबल टू ड्रॉप केमिकल्स, ड्रॉप स्टीरॉइड्स, एंड देन योर लाइफ विल बिकम, योर प्रोग्नोसिस, योर लाइफ विल बिकम वेरी वेरी एम्पावर्ड एंड ब्यूटिफुल। आपका कोर्स किया था, माई एज इज 70 एंड आई वॉज सर्वाइवल ऑफ कैंसर
और अभी मेरा सब जो कुंभक मैंने आपने जो मुझे दिया था कस्टमाइजेशन, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है मेरा ऑल, बिकॉज आई हैव टेकन कीमोज 18 और 3 रेडिएशंस लिए थे, लेकिन उससे मेरे को अभी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है और नो रिस्क ऑफ रिलैप्सिंग, ऐसा मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला है, तो आपको मुझे धन्यवाद देना है। अच्छा, अरे और दूसरी बात ऐसी है, नमस्ते जी, और दूसरी बात ऐसी है, अभी थोड़े 2-3 प्रॉब्लम्स मुझे है जो मुझे अपना स्पाइनल कॉर्ड के बाजू में से जो मेरा ये नी पेन, बोथ द नीज पेन चालू है, मैंने ऑपरेशन ना बोला है, नहीं किया है, लेकिन वो उधर का जो मसल है ना, सो आई कुडंट वॉक लास्ट 2 वीक्स, आई कुडंट वॉक अ सिंगल स्टेप। फिर मुझे, मैं आपका ये क्लास का मैंने वेबिनार अभी ज्वाइन किया, एंड अगेन आई वांट टू डू द क्लास फॉर ऑल माय डिफरेंट प्रॉब्लम्स हियर। सो मैं अभी ज्वाइन होने वाली हूँ, जो मैंने कोर्स किया है कस्टमाइजेशन का मेरे पास है, मैं वो रिपोर्ट्स आपको भेज सकती हूँ। और अभी के जो कैंसर से तो मैं मुक्त हो गई हूँ, लेकिन ये जो मुझे नी पेन और वात दोष बहुत बढ़ गया है, मुझे कोई भी चीज वात का मैं नहीं खाती हूँ, बटाटा नहीं, पोटैटो नहीं, कुछ नहीं, तो भी मुझे ऐसा, आपको 6 महीना हो गया ना वो वाला कोर्स करते हुए? 6 महीने से 6 महीना हो गया। हाँ हो गया हो हाँ, गया। तो अभी देखो, जब अगर आप ये करोगे ना तो वो वाला आपको साइड में रखना पड़ेगा, हाँ चलेगा चलेगा, चलेगा ना? तो उसका लेकिन उसका कोई मुझे दरकार नहीं है, आपका दोबारा से हम डायग्नोसिस करेंगे अलग तरीके से। चलेगा, मुझे धकार बहुत आते हैं, सो सो आते हैं दिन में, हाँ, वो धकार आते फ्लो। हैं। देखो देखो, एक और चीज बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों के लिए ना कुछ मौसम सूटेबल नहीं होता, सीजन चेंज होता है ना, तो बॉडी के अंदर, अभी हमारे शरीर में हमने क्या किया कि इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाए, ऐसा हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। क्योंकि ये जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, ये अकेले जिंदा नहीं रहते, ये किसी ना किसी जीवित शरीर के अंदर जिंदा रहते हैं। तो अगर 100 जानवर थे, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी एक जानवर था पहले पृथ्वी में, तो हमने क्या किया है, 80 तो मार दिए। अब कितने बचे? 20। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उतने ही है, अब उनको 100 की बजाय डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा 20 में। अगर और जरूरत से ज्यादा होंगे तो फिर वो इन्फेक्शन होगा। तो इन्फेक्शन के चांस हमारे बड़े कर दिए हैं। और जो कुंभक कर रहे होते हैं ना, उनके साथ में एक अच्छी बात कहूं कि प्रॉब्लम कहूं, दोनों तरीके से है कि उनके बॉडी में तो इन्फेक्शन होता है मगर उनको बाहर नहीं पता चलता, तो उनको किसी काम करने में या ऐसे में तकलीफ आ जाती है। पर क्या बाहर बुखार जैसा नहीं हो रहा, या इन्फेक्शन का जिस तरीके का सिम्टम होता वो नहीं हो पा रहा होता। तो ऐसा भी होता है कि सीजन, किसी पर्टिकुलर सीजन में बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के कारण ये तकलीफ आती है। तो ये तकलीफ थोड़े दिन रहेगी, उसके बाद में चली जाती है, अगर आप थोड़ा सा सहन कर लें, इसे तपस्या तरीके से ले लें। हाँ, शरीर को मूव करवाना सही तरीके से, ऐसे में काम करेंगे तो एम्पावर हो जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो पुराना वाला डायग्नोसिस हमें नहीं चाहिए, आपको नए तरीके से डायग्नोसिस करेंगे और डायग्नोस चलिए करेंगे, और दूसरा फिर आप थोड़ा बॉडी पे काम करेंगे तो हल्का हो जाएगा शरीर, है ना? क्योंकि हाँ, इसमें शरीर बॉडी, वजन भी बहुत बड़ा है, वजन भी बढ़ा है, और ऑपरेशन के टाइम में मेरा यूट्रस निकाला, 27 लिम्फ नोड्स निकाले है, और हाँ गॉल बैडर भी निकाला है, पूरा पेट खाली है, कुछ है ही नहीं उसमें, तो अभी हाँ लेकिन वो हाँ पहले जैसा हो गया है, लेकिन आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ और आई वॉन्ट टू एंजॉय नहीं, माई चिंता, लाइफ। देखिए, हाँ देखो, एंजॉय करने में तो वैसे भी कमी नहीं करना है, बट आप ये ज्वाइन कर लीजिए, करिए, शरीर हल्का हो जाएगा। एंजॉय तो हमेशा ही करना है, वो नहीं हाँ नहीं, छोड़ना। पॉजिटिव तो मैं है हूँ, लेकिन हाँ मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती है, हाँ थोड़ा चलने स्टेयर में के अभी लिए भी, वात तो वात दोष आया हुआ है, तो चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। डोंट वरी अबाउट दैट, आराम से करिए। आई कैन ज्वाइन ना। हाँ, यू कैन ज्वाइन। हाँ, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी, नमस्ते। कोई और क्वेश्चन है? स्वामी जी, एनी नमस्ते। अदर हाँ बोलिए। मेरा ACL लिगामेंट टियर है,
हाँ, तो जैसे लिगामेंट टियर, कोई भी अगर लिगामेंट टियर होता है, कोई भी टियर होगा ना, तो इसका मतलब उसके इंटीग्रेटिव स्ट्रेंथ जो है, टिश्यू का स्ट्रेंथ नहीं है। टियर कैसे हो जाता है, जब टिश्यूज वीक हो जाएंगे ना, तो आराम से वो जोर लगते ही उसका टियर अच्छा आएगा। तो टिश्यू का स्ट्रेंथ अगर वीक हो जाए तो वो टियर आता है। दूसरा, टिश्यू की फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम हो जाए, जैसे मैंने पहले बताया था कि फाइब्रोमाइल्जिया, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो फाइब्रोमाइल्जिया में भी अगर ज्यादा बेंड करेंगे तो उसमें भी टियर होगा, टूट जाएगा, जी चाहे वो मसल टूट जाए, चाहे वो नर्व में खिंचाव आ जाए, इस तरीके की चीजें होती हैं। और लिगामेंट में जैसे टियर हो जाता है, तो उस तरीके की, हालांकि टियर अपने आप ही ठीक हो जाता है। टियर को आप ठीक करने के लिए कुछ आपको करना नहीं है। करना क्या है आपको, पहली चीज आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना है, यानी कि पचाने की क्षमता, भोजन को यूज करने की बॉडी की एबिलिटी को इंप्रूव करेंगे ना, और थोड़ा बॉडी को ठीक से अगर आप अलाइन करके रखेंगे, ठीक से इस पे इसको इसको इसका स्ट्रेंथ वापस थोड़ा करेंगे, रिकवरी का स्ट्रेंथ, तो ये लिगामेंट टेयर में आराम मिल जाएगा, दोबारा से रिजेनरेट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। नर्व भी रिजेनरेट हो जाते हैं, लिगामेंट मसल, ये सारी चीजें रिजेनरेट होती ही हैं। द ओनली थिंग इज उसके रिजेनरेशन का स्ट्रेंथ ही शरीर का कम हो गया, उसको वो चीज मिल नहीं पा रही, एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ कम हो गया, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ कम हो गया, तो ये इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा। यही इलाज है, लोकलाइज इलाज, कोई इलाज नहीं होता, वो सपोर्ट होता। जब भी सर्जरी कहते हैं तो सर्जरी सपोर्ट होता है, सर्जरी इलाज नहीं होता। बहुत जरूरी हो तो सर्जरी करवा सकते हैं, मगर हमेशा अपने शरीर को मौका दें कि वो खुद रिकवर कर ले, अच्छा रही यही स्वामी रहेगा कि वो खुद रिकवर करे। जी 8 साल हो गए हैं। कितने भी साल हो जाएं, कितने भी साल हो जाएं, अगर सपोज कीजिए जो काम शरीर में नहीं हो रहा है, 8 साल तक नहीं हो पाया, तो क्या वो आज नहीं हो सकता? हो सकता है वो। मैंने वापस आप पहले भी बताया था कि टाइम कुछ भी लगे, रिकवरी तो होगी ही होगी। जी, तो कुंभक से मुझे हेलो, हेल्प हाँ, मिलेगी? ये प्रोग्राम ही इसके लिए है ना, ये प्रोग्राम ही न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए। हेलो जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। लिखा है इसमें, एक्चुअली मैं पिछले साल कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर था, ऑपरेशन वगैरह हुआ, कीमो हुआ। हालांकि मैं योगा वगैरह करती थी, पर कुछ ऐसे स्ट्रेस वगैरह काफी रहा लाइफ में, तो उसका मैं रिजल्ट समझती हूँ ये रहा। पर मैं अपने आप को क्योर नेचुरली करना चाहती हूँ पूरी अच्छी तरह, और कभी मुझे ये सिचुएशन वापस फेस ना करना पड़े लाइफ में। आप जैसे बताया मैंने, आप अपना नंबर शेयर करें, कोई आपसे बात करेगा, आपसे सारी डिटेल लेंगे, फिर देखेंगे कि आपके लिए सबसे सही प्रोग्राम कौन सा है ना। क्योर क्योंकि हमें, क्योर हम, मतलब हाँ, हम कैंसर का भी प्रोग्राम रन करते हैं, तो हमें अगर ये लगेगा कि आपको कैंसर का करना चाहिए, तो आपको उस तरफ में हम भेजेंगे। कोई और क्वेश्चन है? Anybody else who would like to ask their questions? तो विल एंड दिस हेलो वेबिनार। अच्छा हाँ, बोलिए हेलो, बोलिए। हाँ हाँ मैं बोलिए डॉक्टर बोलिए। रमाड बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और अभी रिटायर्ड हाँ हूँ। हाँ 65 ईयर्स पे एज है मेरी, हाँ और एक्चुअली मुझे सीआरटी का प्रॉब्लम काफी दिनों से एट द एज ऑफ 20 से स्टार्ट है, हाँ और उसके बाद में सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है, यानी पूरे राइट साइड में मुझे प्रॉब्लम है। तो हाँ जो आप हाँ कौड़ी बोल रहे थे उसका भी प्रॉब्लम है, नाभि का भी प्रॉब्लम हाँ है, हाँ और राइट साइड में भी लेग का भी प्रॉब्लम है, उसमें भी टिंगलिंग नमनेस और पेन वगैरह होते रहता है, वो सिकुड़ भी गया थोड़ा पैर। मुझे ऑपरेशन भी बताया गया, लेकिन मैंने ऑपरेशन किया नहीं। मैं वैसे योगा वगैरह काफी करता था, आसन वगैरह पहले, और अभी भी कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे थोड़ा रिलीफ है, लेकिन मेरी नाभि एक तरफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई है, तो उसके उसकी देखिए। वजह से ऐसा लगता कि उसकी वजह से ऐसा लगता कि यहाँ पर वो पूरा ऐसा भरा हुआ है लेफ्ट साइड में, पूरी समझ गया सांस नहीं समझ ले सकता मैं उसमें, गया समझ और खाना भी खाता हो तो फिर वो ऊपर के ऊपर में रहता है, गया। हाँ ठीक है, और देखिए, डायबिटीज भी है मुझे, थायराइड भी है, और अभी वो फैटी लिवर भी हो गया उसकी वजह से। अच्छा, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि नाभि ठीक कराना तो बहुत जरूरी है। तो हाँ ऐसा है वही कि है, वो उसमें मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। हाँ,
तो जैसे ये तीनों अलाइनमेंट हमारे प्रोग्राम में इनबिल्ट है, इसके अंदर होता ही है, मगर उसके बावजूद भी मैं आपको एक बात कहूंगा कि कोई नाभि ठीक करने वाला आपको अगर दिखाई दे, समझ में आए, कोई कर सकता है, तो आप करवा लीजिए, नहीं, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे राइट साइड में पूरा वीकनेस है, इसलिए वो जो नाभि है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुई नहीं, उसको है, नाभि वापस ठीक लाना, है। हाँ नहीं, उसको वापस बीच में लाना जरूरी होता है। अगर बीच में नहीं हाँ आएगा तो वो आपका रिकवरी होगा ही नहीं, कुछ भी कर लेंगे आप रिकवर नहीं हो पाए। और खास करके योगा अगर आप कर रहे हैं, नाभि अगर खराब है, तो योगा से आपको कोई जो फायदा मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, है अच्छा, ना, वो मिलेगा ही नहीं। आप कोई नहीं मेडिसिन ज्यादा मैं खाओगे, उसमें धनुरासन वगैरह जो कर रहा था मैं उसके, देखिए लेकिन उससे वो पहले। उससे उससे कई बार नहीं हो पाता। जो योगा में जो प्रोसेस है ना, उससे नाभि ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स वाले भी होते हैं ना, उनके अंदर भी ये एक मेजर इश्यू होता है। और मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैं खुद ही हठ योगा का मतलब प्रैक्टिस करता रहा अपनी लाइफ में, तो इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हठ योगा जो है, वो अगर आप नाभि ठीक करके करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट होता है, वरना तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, बल्कि उल्टा रिजल्ट आता है कई बार। तो उसको ठीक करना पहली बात जरूरी है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि मल्टीपल इश्यूज हैं, तो आप अपना नंबर छोड़ेंगे, कोई मैं छोड़ आपको दिया है, नंबर छोड़ हाँ दिया। ठीक, तो आपको पूछ के ना सारी चीजें देखेंगे कि जो बेस्ट सुटेबल चीज है वो आपको रिकमेंड करेंगे। बट आप कम से कम नाभि को ठीक करवाने का वो एक और भी तरीके होते हैं, जैसे फिजिकली अगर कोई कर दे ना, तो वो सपोर्ट ले लें, अच्छा रहेगा, अच्छा, अच्छा रहेगा। अभी वो देखना पड़ेगा, अभी ठीक हाँ करने वाले अभी देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हाँ वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ना ऐसे जर्रा होते थे, जो हड्डियां वड्डियां ऐसे जोड़ते थे, पहलवान होते थे, वो हाँ। जानते थे इसको ठीक करना, मगर वो तो अब खत्म ही हो अभी गया, वैसे बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम हाँ, मिलते वो हैं अपने को पता भी नहीं चलता है वो कौन वो कहाँ पता। है, हाँ, लेकिन लेकिन पता करिए, अगर कोई मिल जाता है तो वो सपोर्ट ले लेंगे, तो आपको एकदम से रिलीफ मिलेगा, है नहीं, ना लेकिन अभी ऐसा। जो है मेरे को सर्वाइकल सर्वाइकल और एक लंबर का प्रॉब्लम है, इसमें मैंने हाथ में भी झुनझुनी आती है, वीकनेस भी है, राइट साइड में पूरा देखिए वीकनेस है, हाँ एक आप कौड़ी कौड़ी जो आपने बोले वो भी प्रॉब्लम है मुझे भी उसकी वजह से। हाँ, तो वो देखिए वो फिर वही कहानी है, जब तक फंडामेंटल्स अगर हम ठीक नहीं करेंगे ना, तो उसका तो रिजल्टेंट है वो, कि लॉन्ग टर्म अच्छा अगर ऐसा रहा तो नाभि ठीक नहीं होगी, तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो रहेगा ही रहेगा। तो आप डायबिटीज कह लीजिए या फिर सर्वाइकल का, क्योंकि वहां रीजनरेशन ही नहीं हो रहा, तो वो तो नाभि आपको ठीक करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं बैठता। और दूसरा कौड़ी, तो आप ये प्रोग्राम में ही नाभि कौड़ी नले तीनों के लिए बिल्ट इन प्रोसेस है, मगर आपको अलग से बता रहा हूं, क्योंकि आपकी शुरुआत ही नाभि की है सारी प्रॉब्लम की। तो अगर कोई अच्छा फिजिकली करने वाला मिल जाए ना, तो वो जरूर ढूंढ के करवा लीजिए। बाकी आप अच्छा जैसे जैसे शरीर पे काम करेंगे ना, थोड़ा अलाइनमेंट करेंगे इन तीन चीजों का, बहुत चीजों में आपको रिलीफ मिल जाएगा। नमस्ते स्वामी जी। अच्छा नमस्ते जी, बताइए। हाँ, आई हैव गॉट साइटिका प्रॉब्लम एंड प्लस बैक पेन है बहुत सारा, और याटिका, फिर आई देखो गॉट या एंड ऑस्टो आर्थराइटिस, ऑस्टो आर्थराइटिस, तो इसके लिए। हाँ याटिका का प्रॉब्लम जो है ना, वो अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। राइट एंड लेफ्ट बॉडी का ओके अलाइनमेंट अगर होता है ना, व्हेन राइट एंड लेफ्ट अच्छा गेट अलाइन, याटिका विल बी ओके, बट यू हैव टू डू इट ओके ऑन अ बैक रेगुलर बेसिस। पेन हाँ, ओके यू हैव टू डू इट बैक फॉर अ पेन यू हैव टू डू इट ओके ऑन अ ओके रेगुलर बेसिस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ज्वाइन दिस एंड प्रोग्राम, यू विल बिकम फाइन, डोंट वरी। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी फाइन हो यस जाएगा यस, ना मुझे। ऑस्टियोआर्थराइटिस विल आल्सो बिकम फाइन, इट्स एन अब्सॉर्प्शन प्रॉब्लम, योर ओके ओके बॉडी एंड इज देन नॉट एबल। आई हैड अ शोल्डर ऑपरेशन, वो सुप्रासेनिस टेयर था, उसका ऑपरेशन हो गया, फिजियो भी हो गया, लेकिन स्लाइटली पेन अभी भी है, अभी भी वो पेन सा थोड़ा है। एक तरफ में ऑपरेशन कराओगे ना, तो बॉडी में अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आता ही है, ओके 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 तो अलाइनमेंट करना चाहिए। एक्चुअली रीहा सी ऑपरेशन के बाद, आफ्टर ऑपरेशन यू हैव टू डू रिहैबिलिटेशन, रिहैब किया है, वो वाला 90% नहीं, ठीक हो गया। हाँ हाँ ओके देखो वो वाला नहीं, ओके वो तो ठीक है, बट ओके अलाइनमेंट भी ओके करना ओके पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ ओके रिहैबिलिटेशन थिंग। ओके ओके सो आई ज्वाइन वो दिस किया वन है एंड देन ना, आई गॉट रिहैबिलिटेशन करने पे फायदा ओके हुआ हाँ ना, या अभी हो उसमें गया, जो नहीं है ना, थोड़ा वो काफी वाला हुआ। पार्ट करना। हाँ, उसमें जो नहीं ओके है वो ओके वाला पार्ट करना पड़ेगा। ओके ओके तो आई कैन ज्वाइन दिस प्रोग्राम यस ना। यस यस, यू कैन जॉइन दिस प्रोग्राम। ओके।
हाँ हाँ बोलिए। समझ एक क्वेश्चन है मेरा, पूछा था मेरी एक प्रॉब्लम है हमारा सर कि जी, पहले डायग्नोस होगा फिर मैं फीस जमा सबमिट करना है, या पहले फीस सबमिट करना फिर नहीं नहीं डायग्नोस? नहीं डायग्नोसिस तो होगा ही, बाद में होगा। डायग्नोसिस तो लास्ट में होता है एक तरीके से। पहले आपको कुछ सिखाया जाता है, बाय द टाइम पीरियड आपको कुछ सिखा रहे हैं उस समय डायग्नोसिस मैं करता हूं अलग से, फिर आपको सिखा के आपको कस्टमाइज प्रैक्टिस डायग्नोसिस के साथ में दिया जाता है। हाँ कैंसर वाला पूछ रही हूँ मैं, जो भी मैंने पूछा था उसके लिए। नहीं वो तो अलग डायग्नोसिस होगा, उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ तो मतलब पहले शुरुआत मैं में एनरोल हो जाओ, एनरोल हो हाँ, जाओ वो तो राइट? एनरोल होने हाँ के बाद होगा डायग्नोसिस। ओके थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे हरे एक छोटा सा कृष्ण। क्वेश्चन था प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। मेरी उम्र 62 ईयर्स की है अभी। अब हाँ लेकिन अब हाँ ऐसी हालत है, मैं अभी कुछ भी पानी भी पीऊँ या कुछ भी खाऊँ ना, तो गले में बहुत भारीपन होता है, जैसे गले से जल्दी उतरता नहीं है। अभी गोली भी मुझे लेनी पड़ती है, डायबिटीज हूँ, थायराइड है, वह सब कुछ है, तो गले में कभी कभी गोली भी अटक जाती है, तो बहुत ऐसे उतारने में, तो ऐसे गले में कोई प्रॉब्लम होगी मुझे मेरी, ठीक है नहीं, कुछ भी गले खाती गले हूँ में नहीं, गले में जैसे नहीं जैसे है, हाँ, तो गले जैसे में ऑक्सीजन प्रॉब्लम जैसे होती है ना प्रभु, है। हाँ जलन भी हाँ होती है, और ऐसे बहुत भारीपन लगता है, जैसे जैसे उतरता ही नहीं है, गले से नीचे है, उतरना चाहिए ना, ऐसा लगे कि नहीं वही अटक गया है। देखिए आपको जैसे आप बोल रहे हैं ना, आपने तो कैमरा ऑन नहीं किया, जैसे आप बोल रहे हैं ना उसके मैं बताता हूँ, आपके शरीर में कोई भी चीज फैलती नहीं है, मूव करना मुश्किल जी होता है, इसी वजह से आपका वेट भी बड़ा होगा, तो आपके प्रभु, बॉडी में मूव नहीं कर रहे, तो आपका शरीर क्या कह रहा है, हड़बड़ी में आ गया, परेशान हो गया, क्योंकि शरीर में मूवमेंट ही नहीं है, अंदर कुछ जो फैलना चाहिए ना, जब तक फैलेगा नहीं तब तक काम कैसे होगा शरीर का। तो इसे वात कफ दोष कहते हैं, आपकी कफ प्रवृत्ति के कारण कोई भी चीज जा नहीं रही, नीचे से भी एसिड भी ऊपर आता है, नीचे नहीं जाता, हाँ तो हाँ ऐसे में कोई भी चीज नीचे की तरफ में नहीं फ्लो हो रहा है, इसे अपान शक्ति कहते हैं, अपान शक्ति आपकी बहुत ही कमजोर है, इसकी वजह से अच्छा प्रभु कॉन्स्टिपेशन भी आ सकता जी, है, कई लोगों को इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन आता है। हाँ है प्रभु जी, मुझे भी है कॉन्स्टिपेशन। हाँ, तो ये फैल नहीं रहा ना, ये इसको पुश करना पड़ेगा ना, थोड़ा अंदर से प्रेशर हाँ तो जनरेट क्या करेंगे तब फैलना करूँ? शुरू होगा, ये कुंभक वही तरीका है ना, प्रेशर जनरेट करके आपके अंदर फैलना शुरू होगा, तो वो तो अच्छा करना पड़ेगा आपको। जी प्रभु, करूंगी मैं नंबर हाँ शेयर किए हाँ आप, जब आप ऐसा हाँ बोलते हैं नंबर तो। शेयर किया तो जी कोई चिंता नहीं, कोई आपको कॉल करके पूछेंगे आपसे सारी प्रॉब्लम, है ना, नंबर शेयर किया तो कोई कॉल कर लेंगे, ठीक है जी। स्वामी जी, मैं अभी हरे कोर्स कृष्ण, ज्वाइन कर सकता हूँ क्या हरे कृष्णा हाँ हाँ बिल्कुल स्वामी ज्वाइन जी? कर, बिल्कुल कर सकते हाँ हैं। ठीक, अच्छा नहीं क्योंकि मेरे को मल्टीपल प्रॉब्लम है, आप बोले नाभि ठीक करना है पहले, तो नहीं, मुझे नाभि नहीं ठीक नहीं, हो। कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मगर पहले ये तो आप अपने सारी प्रॉब्लम्स बता दीजिए, वैसे तो आपको आपके लिए बेस्ट कोर्स यही है। हाँ मैं उसी लिए मैं पूछ रहा हाँ था हाँ कि बोले आपके लिए अभी बेस्ट आपने, कोर्स ठीक यही है, तो आप कर सकते हैं ज्वाइन। है ठीक। और एनीवे आपको डायग्नोसिस में हम सारी प्रॉब्लम तो पूछेंगे ही आपसे। हाँ हाँ ठीक है, मैंने अभी नंबर तो दे दिया, शेयर किया है, ठीक है, ठीक तो ठीक आपको कल गाइड तक कर हो देंगे। जाएगा हाँ कोई? अच्छा हाँ ठीक आपको गाइड कर देंगे कैसे करना है। है, आप सभी ओके लोगों का प्रभु वेबिनार ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जीवन बहुत हेल्दी हो, वैभवशाली हो, सुखमय हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, गुड नाइट, स्टे वेल, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच रचना।